मैं लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट रमजान अली, और मेरे साथ एक दफा फिर गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब कामरान सुल्तान साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपना और अपने मोहतरम मेहमान का आपसे तारुफ करवाते चलूं। मैं हूं आपका होस्ट रमजान अली, लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर एनएलपी, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड ट्रेनर, सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी ग्रेजुएट, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर। और मुझे बहुत खुशी है कि एक दफा फिर जनाब कामरान सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान सुल्तान साहब लाइसेंस मास्टर ट्रेनर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, और ये पाकिस्तान में एक वाहिद ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है, जो कि रिकमेंडेड बाय डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, जो कि खुद को फाउंडर हैं एनएलपी के। कामरान सर मास्टर ट्रेनर भी हैं हिप्नोसिस के, लाइफ कोच हैं, कंट्री सुपरवाइजर है होजे सिल्वा अल्ट्रामाइंड ट्रेनिंग्स के। सर ने तकरीबन पिछले 24 वर्षों में 35,000 घंटे की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई हुई है, जो कि या तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड है या हिप्नोसिस रिलेटेड है। इन 35,000 घंटों में सर ने 89 टाइम्स लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है और 37 टाइम्स लाइसेंस्ड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है। सर ने कई लोगों को दुनिया में लाइफ कोचिंग भी प्रोवाइड की है, और कई लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में सर ने मदद की है। सर ने जो ये तमाम ट्रेनिंग्स हासिल की है बजाते खुद, वो दुनिया के इंटरनेशनल और बहुत ही रेनाउंड ट्रेनर से हासिल की है, जिसमें एनएलपी के को फाउंडर डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर शामिल हैं, एंथनी रॉबिन्स, जॉन लावेल, जोसेफ रिगो, मेगली पेशा वगैरह। तो ये जो मैंने सर का आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जबकि सर ने तो, अगर आप सर से मिलेंगे या सर के आप ऑफिशियल क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सर इससे कई गुना ज्यादा क्वालिफाइड है। अस्सलाम वालेकुम कामरान सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही। मेरी वीडियो नजर नहीं आ रही? ओके, अगर आप पिन कर सके सर अपने आपको। जस्ट अ मोमेंट। ओके सर, मैंने कर दिया सर आपको। ओके कामरान सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपसे मुलाकात की, हमें सादत मंदी हासिल हुई, एक दफा फिर आपने कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। कामरान सर, इससे पहले कि हम आज का सेशन, जो कि हमने बहुत ही स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है, मगर मैं चाह रहा हूं कि सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा रीकैप कर दूं हमारे पिछले जो दो सेशंस थे। हमने पिछले सेशंस में ये समझा था आपके जरिए कि हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाली एक ऐसी जहन की कैफियत का नाम है जिस पर जिसमें कही जाने वाली बात का असर सुनने वाले के जहन पर कई गुना बेहतरीन तरीके से और कई गुना अच्छे तरीके से हो सकता है। हिप्नोसिस को हर इंसान दुनिया में वैसे तो इस्तेमाल कर रहा है, मगर खास तौर पर हिप्नोसिस जो भी सीखता है, जो प्रैक्टिशनर बनता है हिप्नोसिस का, वो अपने आप के ऊपर या अपने क्लाइंट के ऊपर अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, अपनी खराब हैबिट्स को खत्म करने के लिए और अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए भी हिप्नोसिस इस्तेमाल हो सकता है। और अगर देखा जाए तो हिप्नोसिस को एक शख्स कई तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर क्रिएटिविटी एनहांसमेंट के लिए आप हिप्नोसिस को यूज कर सकते हैं, अपने ऊपर भी और अपने क्लाइंट की भी मदद कर सकते हैं। गोल अकम्प्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और न जाने कितने ही जिंदगी के आस्पेक्ट हैं जिनमें आप हिप्नोसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इन सेशंस का एक मकसद ये था कि कामरान सर ने अपनी दो ट्रेनिंग्स को अनाउंस किया हुआ है,
जिसमें एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है और दूसरी हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग है। हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर की जो ट्रेनिंग है वो 2 हफ्तों पर मबनी होगी, यानी कि तकरीबन 10 सेशंस हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के होंगे, जिसके अंदर आप जो है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और मंडे टू फ्राइडे ये ट्रेनिंग्स होंगी, सुबह रात को 7 बजे से 9:30 बजे के दरमियान। और उसके बाद हिप्नोसिस की जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग है वो अगले 3 हफ्ते तक मजीद जारी रहेगी। तो आपके पास चॉइस है कि आप अगर चाहें तो सिर्फ हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के लिए भी एनरोल हो सकते हैं और आप हिप्नोसिस ट्रेनर ट्रेनिंग्स में भी एनरोल हो सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिस्टिक भी बताता चलूं कि इसकी वैल्यू और इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह की मैंने बताया कि 1 फरवरी से मार्च 4 तक है, 5 डेज अ वीक है, और जो 2 वीक्स है यानी 1 फरवरी से 12 फरवरी तक हिप्नोसिस की ऑनलाइन प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होगी जो कि 15 से 4 मार्च तक होगी, शाम को पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, या शायद उससे भी आगे समटाइम बढ़ जा सकती है। इस ट्रेनिंग की जो वैल्यू है उसकी जो ट्यूशन फीस है जो कामरान सर ने जो इस वक्त अनाउंस की हुई है वो है $1497, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2,40,000 रुपए के हिसाब से बनती है, मगर आपके लिए बहुत ही डिस्काउंट ऑफर अभी आपके सामने मैं शेयर करता हूं। इसके साथ आपको 3 बोनस मिलेंगे, जिसमें पहला बोनस ये है कि कामरान सर के साथ 1-on-1 कोचिंग सेशंस आपको मिलेंगे जिसकी वर्थ है $1,300, तकरीबन 2,08,000 पाकिस्तानी रुपए, और हर सेशन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। इसके साथ आपको मिलेगा हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मटेरियल, जो शख्स ट्रेनर बनेगा और ट्रेनर बनने के बाद जिन लोगों को वो हिप्नोसिस का प्रैक्टिशनर बनाएगा उसका पूरा मटेरियल सर आपको एज अ बोनस देंगे, जिसकी वैल्यू तकरीबन है $297, $47,500 पाकिस्तानी रुपीज। इसके अलावा कामरान सर का एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम है माइंड पावर ट्रेनिंग, इसके कंटेंट आउटलाइंस ये भी सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसकी वैल्यू $250 है या $40,000 पाकिस्तानी रुपीज। देखा जाए तो 1497 के ट्यूशन फीस है और 1847 के बोनसेस हैं, और इस तरह इसकी पूरी जो वैल्यू बनती है $3,344 बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5,35,000 रुपए बनती है। मगर आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर है, अगर आप 10 जनवरी तक, जो कि कल है, 10 जनवरी तक अगर आप पे कर लेते हैं तो आपको सिर्फ ट्यूशन फी अदा करनी होगी और उसमें भी आपको $500 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप सिर्फ पे कर रहे होंगे $997, तकरीबन $1,59,500। यहां पर ही मैं आपको बताता चलूं कि जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे और यूएस डॉलर का जो भी रेट होगा उस हिसाब से आपको इसकी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर आप 10 तारीख तक नहीं करते हैं, आपको लगता है कि शायद आप 15 तारीख तक कर सकें, उस सूरत में भी आपको ट्यूशन फी में $300 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको पे करने होंगे $1,197, जो कि पाकिस्तानी रुपी 1,91,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों ये ऑफर जो है वो सिर्फ 15 तारीख तक है, 15 तारीख तक के बाद अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको पूरी ट्यूशन फीस जो कि करीब करीब $1,500 है वो अदा करनी होगी, मगर किसी भी सूरत में आपको ये तीनों बोनसेस बिल्कुल फ्री में सर दे रहे हैं। इसके बाद आती है हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन। अगर आप समझते हैं कि आपको ट्रेनर नहीं बनना, आपको सिर्फ प्रैक्टिशनर बनना है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, जो कि जिसकी ट्यूशन फीस है $397, तकरीबन 63,000 पाकिस्तानी रुपीज, और इसमें आपको एक बोनस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि है हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर होम स्टडी कोर्स। जिस दिन भी आप एनरोलमेंट करेंगे उसी दिन आपको ये सारी वीडियोस रिलीज हो जाएंगी और आपकी ट्रेनिंग उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू तकरीबन $500 बनती है, मगर आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर सर ने दी हुई है, जो कि अगर आप 20 जनवरी तक पे करेंगे तो आपको ₹100 ट्यूशन फी के अंदर मजीद डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करने होंगे सिर्फ $297, और अगर उसके बाद पे करेंगे तो फिर आपको पूरी कंप्लीट ट्यूशन फी अदा करनी होगी।
यहाँ पर एक और स्पेशल एडिशनल बोनस ये है कि जो लोग 10 तारीख तक पे करेंगे उन्हें सर वन ऑन वन लाइव कोचिंग सेशन, जिस तरह मैंने बताया, जिसकी वर्थ तकरीबन $450 है, 72,000 पाकिस्तानी रुपी है, वो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग लिंक्स आप इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग लिंक्स आपको कामरान सर की वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के जरिए भी मिल सकते हैं, और आप जो लोग पे करना चाहें ऑनलाइन वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कल तक पे कर सकते हैं, मगर जो लोग बैंक में जाकर फिजिकली पे करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि अभी हम कामरान सर से पूछेंगे, क्योंकि कल तो संडे है तो वो क्या हमें एक दिन एक्सटेंड कर सकेंगे, ये अभी हम कामरान सर से जान लेंगे थोड़ी देर में। मगर आप मीजान बैंक के अंदर भी चाहे तो ATM के जरिए या ऑनलाइन बैंक्स के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मजीद ट्रेनिंग्स के हवाले से कोई भी मालूमात लेनी हो तो वो कामरान सर के इस व्हाट्सएप नंबर पर बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, अगर आप मुझसे चाहें तो मुझसे भी ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये थे इसके लॉजिस्टिक्स। अब हम जो है वो बाकायदा तौर पर अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस का आगाज करते हैं। कामरान सर, एक चीज खाली आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं, चूंकि कल संडे है और कल 10 तारीख है, तो जो लोग बैंक में जाकर पे करना चाहते हैं क्या वो 11 तारीख तक पे कर सकते हैं? ठीक है रमजान, वी कैन दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी शख्स कामरान सर से बराह रास्त मुखातिब होना चाहे या जो भी सवाल आपके हैं वो अब आप पूछ सकते हैं। आपको डिजिटल हैंड रेस करना होगा, अगर आप डिजिटल हैंड रेस कर दें तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। और साथ में अगर कमेंट में करना चाहें, लेकिन अगर आप कोई चीज पूछना चाहें पर्सनली, यू वांट टू हैव सम एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, इट्स बेस्ट कि अगर आप पर्सनली लाइव आके बात करें, और इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर आप अपना कैमरा ऑन रखें ताकि मैं आपको देख सकूं, एंड यू नो आपके रिस्पॉन्सेज, आपके अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज देखकर इट्स बेस्ट, देन फिर मैं आपको बेहतर तरीके से यू नो गाइड कर पाऊंगा। सो एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है वैसे चैट में, जुल्फिकार मेघानी ने पूछा है, we self hypnotize ourselves? Absolutely you can, Zulfiqar, iske bahut sare tareeqe hain, self hypnosis jo hai iski isko karne ka koi ek tareeqa nahi hai. Acha, isse pehle main tareeqe pe aaun, yahan par ek aur sawal aata hai jo aage aa sakta hai, to main pehle hi aapko bata dun, aur wo sawal ye aata hai, log aksar poochte hain ki sabse acha tareeqa kaun sa, okay, so wo tareeqa acha hai jo aap pe kaam kare, okay, जब मैं क्लासेस लेता हूँ उसमें, जब मैं कोई भी चीज़ सिखा रहा होता हूँ तो उसमें इस क्वेश्चन बहुत लोग इस तरह के सवाल करते हैं, जी सर सबसे अच्छी इंडक्शन कौन सी है, सबसे अच्छा यू नो मेथड कौन सा है, वो मेथड सबसे अच्छा है जो यू नो जिसके साथ आप कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करें, ओके, सो इस चीज़ को जहन में रखते हुए सेल्फ हिप्नोसिस के जो बहुत सारे तरीके हैं उनमें से एक बहुत आसान तरीका ये है कि यू नो इट्स लाइक आप सीधे आंखें बंद करके बैठ जाइए, और आंखें अपनी बंद करने के बाद जस्ट टेक फ्यू नाइस डीप ब्रेथ्स। देखो हिप्नोसिस की जो कैफियत है उसकी उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, उसकी जो पहली कंडीशन है दैट्स फिक्सेशन ऑफ अटेंशन, जिससे उर्दू में हम कहते हैं तवज्जा का किसी एक चीज पे मरकूज होना, ओके, अब वो तवज्जा किसी भी चीज पे जब हम मरकूज करें, सो मिसाल के तौर पर आपने अपने सामने यू नो कोई चीज रखी हुई है, कोई आईना है आपके सामने, या कोई यू नो कोई बल्ब है आपके सामने, या कोई भी स्पॉट है आपके सामने जिसको आपने देखना शुरू कर दिया, ओके, आपकी फिक्स अटेंशन जब उस चीज पे फिक्सेट होगी आपका जहन जो है उस हिप्नोटिक स्टेट में, उस ट्रांस की कैफियत में जाना शुरू कर देता है। तो सो फॉर एग्जांपल इवन अगर फर्ज करो आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, आप इंटरनेट पे कोई चीज देख रहे हो, और आपकी अटेंशन जो है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर फिक्स हुई हुई है, आपका जहन नेचुरली हिप्नोटिक स्टेट में जाना शुरू कर देता है। सो जब आप अपनी तवज्जा को जिस चीज पे आपके लिए आसान हो उस पे फिक्सेट करके, और अपने आप को यू नो आगे थोड़ी देर के लिए अपनी यू नो आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपने जहन में रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए। ये मुख्तलिफ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ की जा सकती हैं, और यू कैन सिंपली इमेजिन, और ये मैं एक जमाने में किया करता था, मैं जब यू नो सेल्स की जॉब करता था, और तो उस जमाने में मैंने ये चीज अपने साथ बहुत किया कि मेरी, क्योंकि सेल्स की जॉब होती थी, सारा दिन फील्ड में घूमने के बाद वापस आते और शाम को मैं पढ़ रहा पढ़ाई कर रहा था, IBM में था,
तो यू नो शुरू शुरू में ये होता था मेरे साथ कि क्लास में जब जाता तो यू नो इट्स लाइक आंखें झटके से नींद के आ रहे होते थे सारे दिन की थकन के बाद. तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड इट हेल्प मी अ लॉट. तो मैं वही चीज आपको इस वक्त बता रहा हूँ और वो सिंपली ये है, आंखें बंद करके कुर्सी के ऊपर अपनी कहीं पे भी बैठ जाइए एंड देन थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि जैसे आपके ऊपर कोई बहुत ही सूदिंग रिलैक्सिंग रंग की रोशनी पड़ रही है. यू कैन इमेजिन कि जैसे यू नो आप किसी झरने के नीचे खड़े हैं या इवन घर में शावर के नीचे खड़े हैं और आपके जिस्म पे जो है मैल लगा हुआ है और वो जैसे जैसे पानी आपके ऊपर पड़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को ऊपर से नीचे तक पूरा धोता जा रहा है. ओके एंड इसको अपनी अटेंशन को फिक्सेट करने के लिए आप एडिशनल एक चीज ये कर सकते हैं कि इसके साथ साथ जिस वक्त आप कर रहे हैं अपने जहन में आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स में गिनती गिनना शुरू कर दीजिए. सो लाइक 100, 99, 98, 97 और ये दिल ही दिल में गिनना है, इसको जोर से गिनने की जरूरत नहीं है. एंड यू विल फाइंड बाय द टाइम यू रीच वन और इसमें तकरीबन आपको 3 से 5 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कितना फास्ट गिन रहे हैं, यू विल फाइंड कि आप एक अच्छी रिलैक्स्ड हिप्नोटिक कैफियत में आ जाएंगे. ओके तो और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मेरी YouTube चैनल पे अगर आप जाएंगे सेल्फ हिप्नोसिस का मेरी एक पॉडकास्ट है, उसमें मैंने सेल्फ हिप्नोसिस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताया जो मैं पर्सनली पिछले समझो 20-22 साल से अब तो यूज कर रहा हूँ. तो वो जो मेथड है दैट्स अ रियली गुड मेथड, उसको चेक कीजिए. मेरी वेबसाइट पे मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ मेरा जो पॉडकास्ट है उसमें सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर पॉडकास्ट है, चेक दैट, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल. एक चीज और जहन में रखिएगा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या हिप्नोटाइज हो सकता है, हिप्नोटाइज हो जाना या किसी को हिप्नोटाइज कर देना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसको सजेशंस नहीं दे रहे. ओके सो ट्रांस में जाना, हिप्नोटाइज हो जाना है तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप रोज नींद में जाते हैं. ओके नींद से बिल्कुल पहले वाली जो कैफियत होती है वो हर इंसान उसमें जा रहा होता है. सुबह में आप उठने से बिल्कुल पहले की जो कैफियत है और रात सोने से बिल्कुल पहले की जो कैफियत है वो ट्रांस की कैफियत है, वो हिप्नोसिस की कैफियत है, उसमें मैं और आप हर रोज जा रहे होते हैं. सो मसला ये नहीं है कि आप हिप्नोटाइज होना चाहते हैं. इंपॉर्टेंट चीज यानी अगर आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं, आप हिप्नोटाइज क्यों होना चाह रहे हैं, आप सेल्फ हिप्नोसिस क्यों करना चाह रहे हैं, आप अपने अंदर कोई बेहतरी लाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी खराबी आपको नजर आई है जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, दो बुनियादी वजूहत ये हो सकती है. ओके आप अपनी किसी स्किल को, किसी सलाहियत को, किसी हैबिट को आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी बैड हैबिट, कोई ऐसी खराब स्किल, कोई खराब चीज है जिसको आप कम करना चाह रहे हैं, वन ऑफ द टू. सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली ट्रांस में जाने के बाद क्या करना है. यू नो आई डोंट नो व्हाई अभी मुझे जहन में याद आ रहा है, मैं स्कूल में था तो हमारे बायोलॉजी के क्लास 9th में साइंस में प्री मेडिकल था, सॉरी क्लास 9th में तो प्री मेडिकल नहीं था बट हमारे पास वो यू नो बायोलॉजी के अंदर फ्रॉग की इंटरसेक्शन का एक वो था. तो हमें शौक हुआ, मुझे और मेरा एक दोस्त, हमने कराची में उर्दू बाजार से जाके मेंढक खरीदा और मेंढक खरीद के उसको जो है आई थिंक क्लोरोफॉर्म वगैरह भी कुछ और इस्तेमाल करके उस मेंढक को हमने बेहोश किया. बेहोश करने के बाद हमने उसको यू नो जो तरीका था उसको हमने तख्ते पे पिन से लगा के और उसको हमने खोल दिया. अब मेंढक को जब हमने खोल दिया तो उसका दिल जो है धक 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 करता हुआ नजर आ रहा था लेकिन उसके आगे हमें कुछ समझ में नहीं आया भाई हमें करना क्या है. थोड़ी देर के बाद वो बेचारा मेंढक जो था उसका दिल जो है वो धड़कना खत्म हो गया और वो मर गया. सो अगर हम सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं और हमारे जहन में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है व्हाई वी आर डूइंग इट, इट्स लाइक हमने मेंढक को खोल लिया है हमें आगे नहीं पता क्या करना है. सो बी वेरी क्लियर कि आप जब सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना मकसद जहन में रखिए और उस मकसद को जहन में रखने के बाद उसके मुताबिक उसके लिए सजेशंस अपने आप को दीजिए और अपने जहन में अपने आप को हमेशा वैसा तस्वुर कीजिए जैसे आप बन जाना चाहते हैं. अपने आप को अपने जहन में हमेशा वैसा तस्वुर, अगर आप चाहते हैं अपना वजन कम करना है मिसाल के तौर पे, तो अपने आप को देखिए अपने जहन में कि आप ऑलरेडी वो जो आप जो चाहते हैं उस तरह का वजन आपका हो चुका है, आपकी फिजीक वैसी है और उसके साथ हमेशा अपने जहन में देखें कि उस चीज को हासिल करने से क्या पॉजिटिव तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आ रही है.
क्या बेनिफिट्स आपको हासिल हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स किस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो रही है, आपकी यू नो मेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, आपकी जिंदगी का हर हर एस्पेक्ट जो है उस चेंज की वजह से इम्प्रूव हो रहा है. एंड देन यू विल सी कि आप इसको जब रेगुलरली करेंगे, ओके, और दैट इज अनदर कंडीशन कि जब आप कर रहे हैं तो उसको आपने रेगुलर बेसिस पे करना होगा. जब आप रेगुलरली करेंगे तो फिर आपको उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे और तो फिर आप उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. सो उज्मा हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ हिप्नोसिस कैन बी अप्लाइड फॉर सेलिंग. मेनी वेज यू नो उज्मा, दैट डिपेंड्स आप व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेलिंग और हु यू आर सेलिंग टू एंड व्हेन यू आर सेलिंग. बिकॉज अगर एक चीज है कि अगर फर्ज करो कि आप टेस्ट बेस्ड आपकी कोई सेलिंग मटेरियल है, यू कैन यूज हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स इन दैट. यू कैन यूज सेलिंग इन यू नो इट्स लाइक हिप्नोसिस. जब तक अगर आपको पता हो, आपने सीखा हो, तो फिर आपको ये चीज ज्यादा बेहतर समझ में आएगी. बट यू नो मैंने जिंदगी के तकरीबन पहले जो बिफोर आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग प्रोफेशन, मेरी जिंदगी तकरीबन 9, 9.5 साल, 10 साल यू नो वो सेल्स के प्रोफेशन में थे. और उस जमाने में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं उस जमाने में किताबें पढ़ता था और सेल्स के हिसाब से लिए बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, और इसी तरह मैंने हिप्नोसिस की किताबें, तो मैं उन चीज़ों को यू नो मिक्स करके इस्तेमाल करता था. और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. द फर्स्ट चीज़ होती है जैसे सेलिंग में, इस द आपका जो क्लाइंट है, हाउ मच दे ट्रस्ट यू, हाउ मच दे ट्रस्ट यू. और वो जो ट्रस्ट है, दैट इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स इन सेलिंग. ओके, देखो सेलिंग जो है वो, अगर आप कोई शख्स ये सोच रहा है कि मैं जाकर किसी को एक बार बेच कर आ जाऊं, एक क्लाइंट है उसको एक बार बेच दिया, तो वो सेल्समैन नहीं है. ही इज नॉट अ सेल्स पर्सन, एटलीस्ट नॉट अ प्रोफेशनल वन, एंड नॉट एब्सोल्युटली नॉट अ गुड वन. ओके, वो एक खुदगर्ज इंसान है. फर्स्ट अंडरस्टैंड सेलिंग है क्या. सेलिंग इज बेसिकली एक इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल मेक अ good decision for themselves. It's not about manipulating people. Okay? So, agar kisi ke zehen mein ye hai ki hypnotize karke, kisi ko manipulate karke, usko koi cheez bechenge, that's absolutely wrong. Absolutely, completely, totally wrong. Basic idea ye hai, ki wo shakhs jo koi, you know, koi aapki product, koi services, jo uske liye useful ho sakti hai. You know, har cheez har ek ke liye useful nahi hoti. Meri classes har ek ke liye nahi hoti. मेरी क्लासेस में हर आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. ओके, सो वो लोग जो इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो लोग जिनको फायदा हो सकता है, दे फाइंड इट लाइक उनको समझ नहीं आ रहा है, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन कि मैं ये करूं या ना करूं, अभी करूं या बाद में करूं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो माई जॉब इज टू हेल्प देम मेक अ बेटर डिसीजन फॉर देम सेल्व्स. बिकॉज वो डिसीजन जब अपने लिए लेगा, तो वो शख्स कल को मेरे पास दोबारा भी आना पसंद करेगा, और अगर वो यू नो उस वक्त नहीं आएगा तो वो बाद में आएगा, और अगर वो खुद नहीं आएगा तो किसी एटलीस्ट किसी दूसरे को वो भेजेगा. एंड दैट वुड बी अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सेलिंग. लेकिन अगर आप किसी को एक यू नो इस ख्याल से करेंगे जिसको हम हिप्नोटाइज करके बेच देंगे और उसके बाद फिर उससे जो चाहे वो यू नो पैसे लेकर निकल जाएंगे, दैट्स नॉट प्रोफेशनल, दैट्स नॉट इवन एथिकल. सो हिप्नोसिस कैन बी यूज्ड इन मेनी मेनी वेज, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सेलिंग इज. कमल सर, यहाँ पर एक चीज जरा क्लियर कर दें, जो जुल्फिकार साहब ने जो सवाल पूछा था पहले सेल्फ हिप्नोसिस का, तो सर यहाँ पर अक्सर दो टर्म्स बहुत हमें सुनने में आती है, एक होता है अफर्मेशन, एक होता है ऑटो सजेशंस. क्या ये दोनों चीजें सेल्फ हिप्नोसिस में एक ही काम कर रहे हैं या एक ही चीज है, अलग अलग है? रमजान, दोनों एक ही चीज है. दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. इट्स जस्ट यू नो सेल्फ सजेशन में उसको ऑटो सजेशन भी कहते हैं, इनको affirmations भी कहते हैं. There's another word for it. मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा. But क्या, जो भी आप suggestions अपने आपको दे रहे हैं. Okay? So for example, एक suggestion इस क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इसमें एक और clarity लेकर बताऊँ आपको कि कभी कभी लोग होते हैं कि जी suggestion दे रहे हैं. एक बहुत common suggestion है, every day and everywhere I'm getting better and better. Okay? अब एक आदमी फर्ज करो इस suggestion को दे रहा है अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, मगर suggestion उसका जो स्टाइल है वो ये है, every day and everywhere I'm getting better and better every day, becoming more confident every day. It is not going to work. Right. So, the suggestions mein jo ek important cheez hai, it's like how you know congruent you are with what you're doing. So it's like
when you say every day in every way, I am becoming more and more confident, you must sound confident to yourself first. It, you know, so your unconscious mind can believe. Right. Okay. So, जब आप suggestion दे रहे हैं, उन suggestions को आप इस तरह से दें कि वो उसका जो जो असल suggestion है, so आप अगर confidence हो चाह रहे हैं तो confidently suggestion दीजिए. Right. अगर आप energetic होना चाह रहे हैं तो energetically you know suggestion दीजिए. अगर suggestion दे रहे हैं, I'm very energetic and I'm fresh and I'm alert, it's not going to work. It has to be congruent for it to work. Okay. And it's like the same thing. Agar aap first karo kisi dusre ko hypnotize kare. Same thing. You know, you have to, you know, give suggestions so that you know, it's like your words, your actions, your verbal, your non-verbal deliver exact same message. If it's a different message, then it will not have that effect. Right. सर यहाँ पर मिसाल के तौर पे वेट कंट्रोल की हम बात करते हैं. किसी का वजन है 100 किलो और डॉक्टर ने कहा कि आपकी सेहत के लिए 75 किलो बेहतर है. अगर वो अपने आप को सजेशंस दे रहा है कि आई एम राइट वेट और मेरा वजन जो है वो 75 केजी हो रहा है, और दूसरी जानिब वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा अगर, या वो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेगा, तो क्या सिर्फ सजेशंस देने से ही उसका वजन 75 किलो हो जाएगा? अगर वो खाली ये सजेशन दे रहा है कि मेरा वजन 75 किलो हो रहा है, तो ये सजेशन ही गलत है. ओके, बिकॉज सजेशन जो है इट शुड नॉट बी अबाउट कि मेरा वजन मेरा इतने किलो हो रहा है. सजेशन शुड बी अबाउट कि जो उसके कॉजेज हैं उन कॉजेज को करना. सो अगर उसका कॉज जो है दैट इज ओवर ईटिंग जी, या उसका कॉज जो है दैट इज इनएक्टिविटी, ओबेसिटी के मुख्तलिफ चीजें होती हैं. रमजान आपने हिप्नो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम किया, हमने ओबेसिटी पे काफी डिटेल में बात की थी. सो ओबेसिटी के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं. सो ओबेसिटी में या मोटापे की जो सजेशंस हैं वो ये नहीं, ये तो अपने आपको डिल्यूट करना होगा. बिल्कुल दुरुस्त है सर. तो सजेशन शुड बी कि मेरी, सो फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करो ओवर ईटिंग करता है जी, suggestion, a proper suggestion, a better suggestion would be कि मैं, you know, कम खाता हूँ और मैं satisfied हो जाता हूँ. Okay. और या मैं मेरी खुराक जो है वो कम होती है और मैं energetic feel करता हूँ. Just like मैं exact specific suggestion अभी नहीं दे सकता, but something around that. अगर first करो उसका issue ये है, फिर आपने you also have to see अगर कोई शख्स overweight है उसकी वजूहत क्या है. सर ओवरवेट होने की या ओबेसिटी मोटापे की जो वजूहत होती है उनमें एक वजह होती है स्ट्रेस. आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से खा रहे होते हैं. जी बिल्कुल. ओबेसिटी में एक इशू और होता है कि अक्सर लोग जो बीस हो जाते हैं, और हमारे यहाँ देखिए एक बड़ा कॉमन सी चीज होती है, लोग जी ओ मोटा मोटा मोटी, ओ, चल मोटे चल मोटी. लाइक अगर कोई बच्चा मोटा होता है उसके मोहल्ले के बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. उसकी वजह से उनका जो सेल्फ इमेज होता है, उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है, वो बड़ी यू नो बहुत हद तक मुतासर हुई भी होती है. सो व्हेन यू आर वर्किंग फॉर ओवरवेट, यू डोंट वर्क ऑन वेट. दिस इज द थिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. राइट. हिप्नोसिस काम नहीं करता. यू नो व्हाट, हिप्नोसिस काम नहीं करता. यू आर यूजिंग इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, सो इट विल नॉट वर्क. सर्जरी सीख ली है तो फिर आप आ जाइए, मैं आपके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर देता हूँ. मैंने कभी मेडिकल कॉलेज में तो नहीं गया, लेकिन मैंने यूट्यूब से देख के सर्जरी सीख लिया. तो मैंने यूट्यूब से देख के लाइक मार्शल आर्ट सीख लिया, तो फिर मैं जाके किसी को चैंपियन चैलेंज भी कर देता हूँ. यू नो इट्स लाइक ये बड़ी अजीब लॉजिक है. So you need to see कि उसका cause क्या है. हमेशा जब भी change पे काम करें रमजान, look for the cause of the problem. So अगर आप कोई शख्स जो है weight loss का session के लिए आपके पास फर्ज करो कोई आता है, you have to see कि इसकी वजह क्या है. Is it because of stress? Is it because of genetic कोई इसका कोई issue है? Right. Okay. Is it because of some bad habits? Right. Is it some kind of compulsion for, you know, fatty foods? बिल्कुल सही. What is the cause of for this person? And then आप accordingly उस cause को address करें. Okay. Suggestion. जी जी. 75 किलो का हो रहा हूँ या हो रही हूँ,
राइट, तो सर हिप्नोसिस में सजेशंस बहुत ही अहम मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा. एब्सोल्युटली, यू नो इट्स लाइक किसी को हिप्नोटाइज करना या अपने आप को हिप्नोटाइज करना ऐसे ही कि जैसे नींद की गोली खा ली. राइट सर. ओके, नींद की गोली खाकर आप उग्नूदगी में आ गए, सो गए, बट दैट विल नॉट डू एनीथिंग. बिल्कुल, नॉट एट ऑल. अंडरस्टूड सर. सर यहाँ सुंदस नवाज ऑनलाइन है, उनका कोई सवाल है तो सुंदस आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम. जी जी बिल्कुल. मैं पूछना चाहती हूँ कि लाइक मैं सेल्फ हिप्नोसिस काफ़ी टाइम से कर रही हूँ. थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ कि लाइक 3 सालों से मुझे क्रॉनिक डिजीजेज हो रहे हैं. लाइक पहले मेरी डिस्क डैमेज हो गई थी, उनमें लाइक स्टेम सेल्स मैंने लगवाए, 1 साल में वो ग्रो किए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुआ. फिर मेरे कूलों के पॉइंट्स जो थे उनमें आर्थराइटिस हो गया, तो लाइक मैं बेड पे थी ये 3 सालों में, मैं ऑन एंड ऑफ बेड पे जाती रही हूँ. और फिर बाद में मेरी फिजिकल एक्टिविटीज ऑब्वियसली ख़त्म हो गई थी. तो मैं सिर्फ हिप्नोसिस जब करती हूँ तो मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ हेल्दी एक्टिविटीज, जो जो मैं नहीं कर सकती मैं उनको करते हुए अपने आप को अज्यूम करती हूँ कि मैं वो कर रही हूँ. और मेरी, लेकिन जब मैं ये चीज़ें अज्यूम करती हूँ तो फिर मैं मेरे माइंड में बार बार वो पेनफुल टाइम जो मेरी लाइफ के 3 सालों में मैंने देखे हैं वो सब मेरे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं कि नहीं दर्द हो रही है. जैसे लाइक काम, जैसे मैं झुक नहीं सकती तो मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मैं झुक के जो है ना जो चीज़ नीचे से उठा रही हूँ तो लाइक मुझे पेन फील होना शुरू हो जाती है कि मुझे नहीं सैक्रम में पेन हो रही हूँ. कि जब डेली में करती हूँ अगर झुकती तो नहीं, ऊपर अगर हल्का सा भी झुकना पड़े तो मुझे पेन होती है. वो चीज़ मेरे माइंड में रिकॉल होना शुरू हो जाती है पेन, तो मैं लाइक ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ. हालांकि रिलैक्स होके अपने आप को मतलब एक्टिविटीज करने की कोशिश करती हूँ अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन ये कि बहुत शायद मैं अपने आप को सही सजेशन नहीं दे रही हूँ या सही देख नहीं पा रही हूँ. मतलब मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती कहाँ पे बन रही है. अगर आप इसका जवाब देते हैं. Sure. सुंदर, दो चीजें. पहली चीज ये कि हिप्नोसिस को आप अल्टरनेट के तौर पे मत यूज कीजिएगा. कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, नहीं, अल्टरनेट बिल्कुल भी नहीं है. मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, मेरी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मेडिकेशन, हर चीज है. Right. वो हर चीज चल रही है. ग्रेट. तो जो डॉक्टर की एडवाइस हो उसको फॉलो करना है आपने. वो तो है. मेडिसिंस जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उसको लेना है. जब डॉक्टर ट्रीटमेंट में कंप्लीट करवा रही हूं. हां वो हिप्नोसिस की जहां तक बात है, व्हाट यू डू इज यू नो इट्स आई ऑफन यूज दिस, इट्स अ सिंच बाय द इंच एंड हार्ट बाय द यार्ड. सो रादर देन देखें कि आप टोटल वैसी हो गई हैं, मैं स्पेसिफिक आपने जो चीज बताई उसके हवाले से बताऊं, इट्स इजीियर कि आप अपने आप को देखिए थोड़ा बेहतर होता हुआ. ओके, सो मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि मैं पूरा झुक दूं, ये देखें कि अगर आप फर्ज करो कि अभी आप इतना हो पा रही हो तो अपने आप को देखो कि आप उससे थोड़ा सा ज्यादा कर पा रहे हो एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, एंड देन उससे थोड़ा सा ज्यादा एंड यू आर स्टिल कंफर्टेबल विद दैट. ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को उसमें बेहतर होता देखो. सही. डू यू गेट? लाइक डेली बेसिस पे मैं करूं अपने या फिर लाइक? बिल्कुल डेली बेसिस पे. बिल्कुल डेली बेसिस पे. हमारे अनकॉन्शियस माइंड के जो फंक्शंस हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अनकॉन्शियस माइंड नीड्स रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन. ओके, सो वो रिपीटिशन जो है वो आप डेली बेसिस पे, इनफैक्ट आप उसको अगर एक से ज्यादा बार दिन में कर सकें, 3 बार कर सकें, दैट विल बी इवन मोर हेल्पफुल फॉर यू. ओके ओके, थैंक यू सो मच. श्योर. ओके, यहाँ पे मेरे पास एक सवाल नजर आ रहा है शहनाज का. वालेकुम अस्सलाम शहनाज. शहनाज सेज हिप्नोसिस फिजिकल पेन रिलीफ में भी यूज कर सकते हैं. जी शहनाज, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. हिप्नोसिस पेन कंट्रोल के लिए भी यूज हो सकता है और बहुत इफेक्टिवली यूज हो सकता है. जस्ट लाइक यू कैन क्रिएट नमनेस अपनी बॉडी में भी या किसी दूसरे के भी. आप जब क्लास में होंगे यू विल लर्न दिस. ओके, दिस द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस. So, Nabila Ali has raised hand. Nabila, you can unmute yourself. Jee Nabila, you want to say something? नबीला, प्रॉबेबली आपके जो माइक है उसकी आवाज इंटरनली आपके सिस्टम में जहाँ जो भी आप यूज कर रही हैं इस वक्त वो बंद हुई हुई है, इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. आई सी कि आप अनम्यूटेड हैं, बट
यू नीड टू मेक सम चेंजेस आपके अपने सिस्टम में. सो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम what best time for self hypnosis, what is the best time for hypnosis. I think this is Muhammad Ali, Muhammad Naeem. The best time for hypnosis is early in the morning or late at night. You know, kuch ye wo zehen ke ye wo situations, ye wo time hote hain jisme aapka zehen jo hai naturally hypnotic state mein hota hai. Raat ko jab aap sone ke liye lete hain, aapka zehen ek naturally hypnotic state mein hota hai. So us waqt agar aap apne aap ko suggestions denge और वो सजेशंस देते हुए आप सो जाए, दैट यू विल फाइंड विल बी वेरी यूजफुल. आपने कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो जिंदगी में कि रात को आप सोने से पहले आपने अपने आपको सजेशन दी कि मैं सुबह फजर में उठ जाऊंगा, ओके, और आपने अलार्म भी लगाया था लेकिन पता चला अलार्म बजने से पहले आपकी आँख खुल गई, तो उस वक्त जो आपकी आँख खुली बिकॉज आप नेचुरली यू नो आपकी जो हिप्नोटिक सजेशन थी वो आपके ऊपर काम कर रही थी. और अक्सर लोग, बाय द वे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझे कहते हैं जी मैंने वो किताब पढ़ी है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की किताब है, ओ जी मैंने वो किताब पढ़ने के बाद अपने साथ हिप्नोसिस करना शुरू किया, मैं रात को सजेशन देता हूँ सुबह उठ जाता हूँ. ओके, मैं ये कहता हूँ ये बात कुछ ऐसी होती है, कोई बोले कि जी मैंने जो है ना वो फरारी खरीदी और मैं फरारी में बैठ के पिछली गली में जाता हूँ और एक पाव दही लेकर रोज आता हूँ. ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर माइंड इज सो पावरफुल, यूज इट फॉर समथिंग बेटर. Okay. सुबह उठने के लिए मोबाइल पर अलार्म लगा लीजिए या यू नो अलार्म घड़ी एक छोटी सी लेके रख लीजिए, अपने ज़हन को यू कैन यूज इट फॉर समथिंग इवन मोर यूजफुल, इवन मोर बेटर थिंग्स फॉर योरसेल्फ. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. सर गजाला सईद ने हैंड रेज किया है. गजाला यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. जी गजाला यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सर आई थिंक गजाला के उसमें कोई इश्यू है तो यहाँ अतर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप लोग अगर जूम यूज कर रहे हैं तो जूम में ये आपकी आपके जो सेटिंग्स हैं उन सेटिंग्स में जाके अगर आपके माइक की वॉल्यूम बिल्कुल बंद हुई हुई होगी तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं आएगी. यू हैव टू गो इनटू योर सेटिंग एंड डू दैट ताकि अगले को आपकी आवाज आए. और फिर क्योंकि गजाला इस वक्त आप अनम्यूटेड हैं बट आई कांट हियर यू. जी 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सर मुझे ये पूछना था कि ये एनएलपी और हिप्नोसिस, आप एनएलपी में भी तो हिप्नोसिस करवाते हैं ना, तो ये क्या दो डिफरेंट कोर्सेज हैं या इसमें एनएलपी भी आप उस एनएलपी के जरिए भी आप कुछ सजेशन देते हैं? और दूसरा ये है कि मुझे दूसरा सवाल ये करना था कि क्या हम आपसे ये कोर्स करने के बाद हम दूसरों को दूसरों के सेशन ले सकते हैं, ये पूछ रहे हैं मुझे. सो आपका जो पहला सवाल है, एनएलपी में भी हिप्नोसिस कराते हैं. एनएलपी का मेरा जो प्रोग्राम होता है एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, उसमें यू नो जो अगर आप क्लास मेरी ले रहे हैं 7 दिन के प्रोग्राम में, तकरीबन 1 दिन जो होता है वो हिप्नोसिस का होता है. और उसमें इस प्रोग्राम की जो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है उसका कुछ मटेरियल मैं कवर करता हूँ. और उसमें जो बेसिक यानी मैं उसमें आपको एक इंडक्शन इस प्रोग्राम की है जो मैं सिखाता हूँ डायरेक्ट की, और एक है जो इनडायरेक्ट की उसमें उस एनएलपी के कोर्स के अंदर होती है. और उसके अलावा जो जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी एनएलपी की चीज़ें होती हैं. हिप्नोसिस एक एक्सेलरेटेड चेंज का मेथड है, रैपिड चेंज क्रिएट करने का. और एनएलपी के जो मेथड्स हैं, जब आप किसी शख्स को ट्रांस में ले जाते हैं, हिप्नोटिक कैफियत में ले जाते हैं, सो वो जो भी सजेशंस अभी जैसे रमजान ने शुरू में डेफिनेशन आपके साथ शेयर करी कि इस हिप्नोसिस जहन की एक ऐसी कैफियत है जिसमें कही जाने वाली बात का असर इंसान पर कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ कर होता है. सो जब आप किसी को ट्रांस में ले जाते हैं, एक फॉर्मल हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं, फिर आप उसके साथ किसी भी किस्म का कोई चेंज वर्क कर रहे हैं, एनएलपी की कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है. तो इस लिहाज से वो चीजें आप एनएलपी में करते हैं और उसमें आप जो ट्रांस इंड्यूस करना उसमें भी सीखते हैं. जो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है इसमें खाली ट्रांस इंड्यूस करना नहीं, क्योंकि इसका फोकस मेनली हिप्नोसिस है, उसका फोकस मेनली एनएलपी है.
और उसमें हम फिर जो मिल्टन मॉडल एनएलपी में कहलाता है, यू नो मिल्टन की जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जो कि स्पेशली एनएलपी प्रैक्टिशनर मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आती हैं, वो चीजें हम सीखते हैं। जो यहाँ पर हम हिप्नोसिस सीखेंगे, इसमें जो ट्रेडिशनल हिप्नोसिस की कई मुख्तलिफ इंडक्शन आप सीखेंगे, और इसका फोकस जो है प्योरली हिप्नोटिक प्रोसीजर्स हैं, हिप्नोटिक प्रोटोकॉल्स। तो आप स्पेसिफिक इश्यूज के साथ हिप्नोसिस किस तरह से यूज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज में हिप्नोसिस कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें एनएलपी की चीजें नहीं होंगी। दूसरा आपका जो सवाल है कि इसके बाद क्या आप दूसरों के साथ सेशंस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अलबत्ता सेशंस में जो चीजें कराता हूँ मैं, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट वर्क विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मैं जो चीजें कराता हूँ उन चीजों का ताल्लुक बिहेवियर मॉडिफिकेशन से होता है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट से होता है, स्किल्स इंप्रूवमेंट से होता है। यही चीजें मैं करवाता हूँ, यही चीजें मैं सिखाता हूँ, और यही चीजें आप लोगों के साथ कर सकते हैं। सो कोई शख्स अपनी किसी स्किल को बेहतर बनाना चाहता है, उसकी कोई बैड हैबिट है उसको चेंज करना चाहता है, या कोई नेगेटिव इमोशन है कोई इसको रिलीज करना चाहता है, यू विल लर्न हाउ टू हेल्प दोस पीपल। ओके, अच्छा थैंक यू वेरी मच सर। वैसे सर मैं भी साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ग्रेट, एक्सेलेंट। सो फिर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से काम करने की जरूरत भी नहीं। मैं एक चीज गजाले कहता हूँ, देखो दुनिया में इतने सेहतमंद लोग मौजूद हैं कि जिनकी जिनको हेल्प की जरूरत है और जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, कितने लोग हैं जो अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अपने वेट लॉस करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो कि यू नो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं जिनके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई फियर है, कोई यू नो इट्स लाइक लेट सपोज नेगेटिव गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि उनके लिए नुकसानदेह जिसको वो चेंज करना चाहते हैं, और ये सारे नॉर्मल लोग हैं, इनके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। सो आप मैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो एरिया जो मेरा है ही नहीं, मुझे उसमें खामखाई में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, ओके, सो ठीक है, श्योर, थैंक यू। और रहमान साहब जी, अता और रहमान साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इंटरनल डायलॉग को मिनिमाइज कैसे किया जाए? व्हाट डू यू मीन इंटरनल डायलॉग को मिनिमाइज? मतलब आपके जहन में जैसे बहुत सारे थॉट्स के फ्लो हो रहे हैं, अपने आप बातचीत करते हैं मुझे, तो उससे आपके वर्क हैम्पर होते हैं, तो उसको कंट्रोल। अदाउर रहमान साहब, एक चीज ये कि जो इंटरनल डायलॉग है उसको सप्रेस मत कीजिए, अटेंड टू इट, और कीजिए कि वो जो है उसके पीछे क्या है। और you know, pay attention to it. Hamara jo unconscious mind hai, unconscious mind ko ke bare mein Milton Erickson ki ek saying hai, it's something like this, ke ek unconscious mind ko, insaan ke lashaur ko us tarah se treat karo jaise ek 5-7 saal ke bacche ko. Okay, jo 5-7 saal ka bachcha hota hai na, usko attention chahiye hoti hai. Okay, agar बच्चा है मिसाल के तौर पे और उसको आप अटेंशन दे रहे हैं तो बड़ा खुशी से आपके पास आएगा, और अगर आप उसको अटेंशन नहीं देते हैं तो वो नाराज होना शुरू हो जाता है। सो जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज गिविंग अटेंशन। सो जिस वक्त हम ये कह रहे हैं जी वो मेरे दिमाग में कोई चीज आ रही है और मैं उसको सप्रेस कर दूं, मैं उसको रोक दूं, मैं उसको किसी तरह से खत्म कर दूं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, सो पे अटेंशन टू इट, एंड गौर करें कि उस डायलॉग के पीछे क्या है, वो जो इंटरनल डायलॉग चल रहा है तो उससे आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, या इंटरनल आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे इमोशंस क्या है। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज बाय द वे कि जब आप यू नो इफ वंस यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दिस, वो अंदर से खुद ब खुद क्वाइटनेस उसमें आना शुरू हो जाएगी। अंदर से क्या बोले, खुद ब खुद? खुद ब खुद आप देखेंगे कि अंदर आपको यू नो क्वाइटनेस फील होना शुरू हो जाएगी। ये जो अल्फा बीटा थीटा ये सब जो होता है, ये स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा बीटा थीटा ये सारी ब्रेन फ्रिक्वेंसीज के नाम हैं, सारी यू नो जहन की मुख्तलिफ कैफियत हैं, जिन जिस यू नो जिनकी मुख्तलिफ
नाम दिए हुए हैं. सो अल्फा बीटा थीटा ये सारे के सारे ब्रेन के स्टेट्स के नाम, ब्रेन फ्रिक्वेंसीज को यू नो रेंज डिफाइन की हुई है कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान है तो ये बीटा है, इससे इसके दरमियान है तो अल्फा, इससे इसके दरमियान है तो थीटा है, इधर है तो डेल्टा है, इधर है तो गामा है. सो इट्स लाइक ये डिफरेंट यू नो रेंजेस हैं ब्रेन फ्रिक्वेंसीज की जिनको डिफरेंट नाम दिए. नॉर्मल तरीके से आदमी अल्फा रेंज में रहता है जनरली दिमाग. कौन आदमी? दैट डिपेंड्स. यू नो ये वाले जो सवालात होते हैं यानी इस किस्म की जो चीज होती है कि आप बहुत जनरलाइज करके अगर आप पूछें कि जी आदमी किस में रहता है, कौन सा आदमी? किस आदमी की बात, किस एज के आदमी की बात कर रहे हैं, किस मिजाज के आदमी की बात कर रहे हैं? ओके सो इट विल वेरी. और किस सिचुएशन में? अब इसमें अगर ये सवाल भी अक्सर लोग करते हैं जी इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सी पीरियड अच्छी है, डिपेंड्स आप क्या कर रहे हैं. आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप यू नो हिप्नोटिक स्टेट में, बहुत खराब काम, बिल्कुल गलत चीज. आप सोने के लिए लेट रहे हैं और आप बिल्कुल चाको चौबंद हुए हैं, नॉट अ गुड आइडिया इधर. हर चीज की अपनी अपनी अफादियत है, हर चीज अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल होती है. एक चीज में बहुत कॉमन देखता हूँ बहुत, तो क्योंकि यू नो अक्सर लोग होते हैं खाली किताब पढ़ के उसको चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और खाली किसी यू नो लाइक यूट्यूब की किसी वीडियो को देखकर और अक्सर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के, तो यू नो पीपल गेट मिसगाइडेड अ लॉट एंड दे स्टार्ट थिंकिंग ओ ये अल्फा जो है ये सबसे अच्छी है. नहीं, इट्स नॉट अच्छी. किसके लिए और किस सिचुएशन में? यू नो इट्स लाइक इतनी बड़ी जनरलाइजेशंस करके लोग कंक्लूजन पे पहुंचना शुरू कर देते हैं, अपने लिए भी गलत करते हैं दूसरों के लिए भी. और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यू नो बहस में लगे हुए होते हैं. अक्सर मैं तो फेसबुक के ऊपर लोगों जी बहस हो रही होती है इन मौजूदात के ऊपर. मेरे तो नेटवर्क में मेजोरिटी इसी यू नो चीजों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और वो लोग हैं जो कि यू नो लाइक कुछ नहीं जानते. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई एक दो किताबें पढ़ ली और उसके बाद उन्होंने पता नहीं फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं. और इट्स लाइक ये वाली जो चीज है कि कौन सी स्टेट इसमें अच्छी है, किसके लिए, ये सारे इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट विल वेरी फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट. ओके अच्छा बताएं नमक अच्छा है या चीनी? ओके मैं कोरमा बना रहा हूं तो चीनी अच्छी है मुझे, मेरे ख्याल में तो चीनी डाल दूं. मैं चाय पी रहा हूं तो नमक अच्छा है तो नमक डाल दूं. इट विल डिपेंड ऑन आप क्या कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं. ओके सो ये बहुत यू नो डिटेल की चीजें हैं अताउर रहमान साहब. अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आइए मेरी क्लास हो रही है, इसको ज्वाइन कीजिए. इसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस होती हैं. इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस वन एज़ वेल. ओके सो अताउर रहमान साहब कोई और क्वेश्चन तो नहीं आपका? जी अताउर रहमान साहब कोई और क्वेश्चन तो नहीं? नहीं नहीं. ओके जी बहुत शुक्रिया. थैंक यू कामरान सर. ये मोहम्मद नईम साहब का क्वेश्चन है मेरे पास. अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस आर देयर? नईम लास्ट अगर आपने सेशन अटेंड किया था मैंने उसमें आपको जिक्र किया था हिप्नोसिस की जो यू नो दो बड़ी ब्रांचेस हैं, डायरेक्ट या ट्रेडिशनल या क्लासिकल हिप्नोसिस, अथॉरिटेरियन हिप्नोसिस और इनडायरेक्ट परमिसिव कॉन्वर्जेशनल एरिक्सोनियन हिप्नोसिस. ये दो बड़ी क्लासिफिकेशन इसमें की जाती हैं. ओके इसमें एक चीज और भी आती है यानी हिप्नोसिस की कुछ चीजें जो कि रिसर्च बेस्ड चीजें होती हैं तो थोड़ा सा उसमें आते हैं. लेकिन अगर आप वैसे समझो तो दो क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके ये दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं प्रोसेस के. यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है रमजान मेरे सामने. जी जी. दिस इज कौन है नाम निजामी. ओके द क्वेश्चन इज अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इफ वन डू एनएलपी कोर्स विल ही बी एबल टू वर्क बेसिक हिप्नोसिस और स्टिल ही नीड्स टू डू सेपरेट हिप्नोसिस कोर्स फॉर बेसिक हिप्नोसिस? तो अगर आप NLP की प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मेरे पास करते हैं तो यस यू विल लर्न दैट, यू विल बी एबल टू डू हिप्नोसिस, यू विल बी एबल टू डू हिप्नोसिस आप NLP की ट्रेनिंग में.
में जो हिप्नोसिस सीखते हैं, आप अगर ये बात करें कि आप दूसरों को हिप्नोटाइज करना है, येस यू विल लर्न दैट। ओके, एनएलपी की ट्रेनिंग में जो चीजें आप सीखते हैं उसमें हिप्नोटाइज करके ट्रांस में ले जाके एनएलपी के प्रोसीजर्स यूज करना सीखते हैं, और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आप ट्रांस में ले जाकर जो हिप्नोटिक प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स जो हिप्नोसिस के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर सीखना शुरू करते हैं। इनमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। सो ये उस सेंस में ये दो अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एनएलपी में हिप्नोसिस की जो चीजें हैं, जो जैसे मेरा जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, इसकी चीजें हिप्नोसिस एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर भी आती है। अच्छा, एक सेकेंड, मेरे सामने एक क्वेश्चन और भी है। लास्ट ईयर आई डिसाइडेड टू लर्न एनएलपी एंड हिप्नोसिस बट माय टीचर स्टॉप्ड मी, ही सेड इट हर्ट्स योर स्पिरिचुअल लाइफ, इज इट ट्रू? सीरियसली, यू नो इट्स लाइक, मैं जाती तौर पे एनएलपी को पढ़ने के बाद, एनएलपी को समझने के बाद, हिप्नोसिस को पढ़ने और समझने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं दीन में आया। ओके, मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग जब अगेन जिन टीचर ने आपके बोला है, इज उन्होंने खुद एनएलपी सीखी है, क्या उन्होंने खुद एनएलपी पढ़ी है? यू नो, एक फतवा देना किसी चीज के ऊपर, क्या उन्होंने इस चीज को स्टडी किया है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये ओपिनियन अपना आपके सामने ऐसे रखा? क्या जस्ट इमेजिन दिस, यू नो, मैं ये अक्सर देखता हूँ लोग, ये हिप्नोसिस हराम है जी, ठीक है, और आपको पता है मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू किया 24 साल हो गए मुझे, पता नहीं सैकड़ों लोगों से मैंने ये बात सुनी है, जी हिप्नोसिस हराम है, और मेरा जो कोई कहते हैं हराम है, मैं कहता हूँ जी ठीक है, आप कह रहे हैं हराम है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए है क्या, आप बेसिक डेफिनेशन दे दीजिए मुझे। मुझे आज तक 24 साल में आज तक एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने जब उसको हराम और नाजायज और इस किस्म का कोई भी फतवा देने के बाद कोई इसकी असल डेफिनेशन तक बता सका। ओके, सो हमारे यहाँ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि वो लोग जिन्होंने यू नो कोई जासूसी कहानियां पढ़ के सीखा हुआ है, या जासूसी कहानियां या फिल्में देखकर हिप्नोसिस सीखा है, और उसके बाद जी याद है कई साल पहले मेरे पास एक खातून आई, एंड शी सेड कि जी हिप्नोसिस सर उस वो तो होता है ना जिसमें इंसान को उसके पिछले जन्म में ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये कहाँ सीखा उसका? सर वो इंडिया का कोई ड्रामा आ रहा था उस जमाने में, कोई जासूसी का कोई ड्रामा था, मुझे नाम भी याद नहीं, बट उन्होंने जी वो फलाने उसमें ड्रामे में आता है। मैंने कहा बीबी वो ड्रामा है, प्रोग्राम नहीं सर, होता है जब ही तो दिखाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो सुपरमैन भी हवा में उड़ता हुआ दिखाते हैं, उड़ते हुए हवाई जहाज को रोक लेता है, ट्रेन को रोक लेता है, तो फिर वो भी होता होगा जब ही दिखा रहे हैं। पीपल गेट हिप्नोटाइज्ड बाय दीज स्टूपिड आइडियाज सो क्विकली। तो आपके जो टीचर है उनसे जाके पूछेगा उन्होंने हिप्नोसिस कितना पढ़ा है और एनएलपी को कितना पढ़ा है, कितनी किताबें पढ़ी है, ट्रेनिंग नहीं ली है चलो छोड़ दो, ये उनसे पूछेगा उन्होंने एनएलपी की कितनी किताबें पढ़ी हैं जिसकी बेसिस पे उन्होंने आपको ये ओपिनियन दिया है। आपके टीचर ने आपको हिप्नोटाइज किया था, बिकॉज हिप्नोसिस की एक डेफिनेशन मैंने अपने पिछले सेशन में बताई थी, हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो नोशन, हर वो सजेशन जिसको आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट कर लिया, वो हिप्नोसिस है। तो आपके टीचर ने कहा कि मत सीखना, इससे यूं हो जाएगा, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपके टीचर ने एक्चुअली आपके ऊपर हिप्नोसिस किया, आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर हफ्सा का एक क्वेश्चन और नजर आ रहा है। आपने कहा कि सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू पेन तो रिलीज कर सकते हैं सर, कैन यू सजेस्ट दैट हाउ? हफ्सा, इसमें यू नीड टू हिप्नोटाइज, अगर आप किसी को कर रहे हैं या अपने आप को कर रहे हैं, इसमें ट्रांस के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यू नीड टू गो एटलीस्ट टू अ मीडियम लेवल ट्रांस, और उसमें जाके यू स्टार्ट गिविंग सजेशंस। एक सिंपल सी सजेशन जो इसमें होती है, अगर फर्ज करो कि बॉडी के किसी पार्ट को करना चाह रहे हैं, तो स्पेसिफिक उस पार्ट को यू नो पे अटेंशन टू द पेन। और एक चीज और यहाँ पर यू नो लाइक, ये मैं चीजें ज्यादा क्लास में डिटेल में डिस्कस करता हूँ, लेकिन देखो पेन इटसेल्फ क्या है, हम पेन एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। हमारे जिस्म में जब हमें कहीं दर्द होता है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जिस्म के इस हिस्से को तवज्जा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। फर्ज करो किसी का खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाता है और उसको तकलीफ ही नहीं होती है, उसको दर्द होता ही नहीं है, नतीजतन उसकी वो जो हड्डी है वो यू नो टेढ़ी जो है वो जुड़ जाती है, खुद ब खुद हीलिंग तो नेचुरल प्रोसेस होगा, उसको दर्द ही नहीं हुआ, हड्डी जो है तो उसका हाथ जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, उसकी जिंदगी भर बेकार हो जाएगा। लेकिन जब दर्द होता है
तो इंसान उस तकलीफ की वजह से उसको प्लास्टर करता है, उस तकलीफ की वजह से इंसान उसका ख्याल करता है। तो पेन जो है इट्स अ ब्लेसिंग, कीप दैट इन माइंड। दूसरी चीज ये कि इसको कैसे इस यू नो कंट्रोल किया जाए। मीडियम लेवल के ट्रांस में यू स्टार्ट यू नो गिविंग सजेशंस कि मेरा जिसम का यू नो इस हिस्से से ये जो फीलिंग है यहाँ पे नॉर्मल होती जा रही है, न्यूट्रलाइज होती जा रही है। मैं स्पेसिफिक सजेशन दे रहे हैं थोड़ा सा, बिकॉज आप मेरे सामने भी नहीं है, आपने यू नो लिखा हुआ है तो कहना जरा मुश्किल है। और किस हवाले से हम बात करें, देखो इसमें फिर अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ चीजें कि एक एक आदमी उसके सर में दर्द हो रहा है ये एक अलग दर्द है, एक आदमी उसका ऑपरेशन हुआ हुआ ये एक अलग दर्द है, एक आदमी के यू नो को किसी किस्म की कोई चोट लगी हुई है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो इसमें सजेशन जो है अकॉर्डिंगली थोड़ा उनको फॉर्मुलेट करना पड़े। तो इसलिए मैं कोई जनरल सजेशन आपको नहीं दे सकता। Sadhav says, you said unconscious mind is like 5-year-old attention seeker. No, I did not say that, Sadhav. I said Milton Erickson said, treat the unconscious mind like you treat a 5 or 7-year-old child. कम से कम अगर आप मुझे मुझसे कोट कर रहे हैं तो वो तो कोट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। So, अच्छा यहाँ पर I see Sadhav Nawab Dilshad is also has raised hand. जी दिलशाद फरमाइए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आरे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं तो सबसे पहले तो आपसे बात करूंगी कि आपके सेशन मैं देखती हूँ यूट्यूब पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो आप कहते हैं, जो एग्जांपल्स देते हैं वो इतनी अच्छी होती है और जाकर फौरन माइंड में लगती है, बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे रमजान सर ने आपसे आपका बताया था, इंट्रोडक्शन करवाया था, तब जाके मैंने देखना शुरू किया और बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि बस देखते ही जाए, देखते ही जाए। आपका बोलने का स्टाइल, आपके जो एग्जांपल है सब बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने आज ज्वाइन किया आपको और मैंने कहा आपसे क्वेश्चन करूंगी। तो मुझे ये क्वेश्चन था मेरा, आपने कहा कि हिप्नोसिस का तो उसके लिए फियर्स जब होते हैं माइंड में, कोई खौफ होता है या नेगेटिव सोच आती है तो इसके लिए ये हिप्नोसिस हो सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मोस्ट सर्टेनली। दिस इज यू नो दिस इज one of the most common areas hypnosis ke jo use hote hain, like any kind of fears. Okay, like aapne pata hai aapne kaha uske liye ramzan ke sath session kar sakti hain. Okay, acha iske liye usko ye kehna ki usme koi cheez nahi bolne ki hoti hai na, aapne ek cheez ek clip mein bataya tha. To ye cheez jo hai main dekhta hu bahut sare log misunderstand kar rahe hote hain. Ek cheez ye hai ki negations jo hai wo unconscious level pe zehen mein process nahi hoti. So, जब आप अपने आप को कोई सजेशन दें तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप ये कहें कि क्या हो, बजाय इसके ये कहें कि क्या ना हो। मिसाल के तौर पे ये कहने के बजाय कि मुझे डर नहीं लगता, इससे ज्यादा बेहतर सजेशन ये होगी कि मैं रिलैक्स रहती हूँ या मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। कि हाउ डू यू वॉन्ट टू बी, फोकस ऑन दैट। जो मैंने अभी एक चीज कही थी कि अगर एक शख्स है वो यू नो लाइक कोई अपने वेट लॉस के लिए सेशन कर रहा है, सो अपने जहन में अपने आप को वैसा देखें जैसा आप हो जाना चाहते हैं, जैसी हो जाना चाहती हैं। सो जब सजेशन भी दें तो वो सजेशन दें जैसी आप हो जाना चाहती हैं। सो आप चाहती हैं आप ज्यादा करेजियस हो जाए, आप ज्यादा रिलैक्स रहें, आप ज्यादा कंपोज रहें, आप ज्यादा यू नो कॉन्फिडेंट रहें, सो सजेशन उसके लिए दे, बजाय इसके कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे घबराहट नहीं होती, मुझे परेशानी होती। और इमेज करना है उसको माइंड में। यस ऑफ कोर्स, ऑलवेज, बिकॉज़ सजेशन, देखो सजेशन में एक चीज होती है, आप इंशाल्लाह अगर आप क्लास में आएंगे ये चीज आप ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। हमारे जहन के जो 5 senses है, जितनी ज्यादा आप senses को इन्वॉल्व करेंगे ओके, उतना ज्यादा इफेक्ट आपकी सजेशन का होगा। ओके, सो आप अगर अपने आप को एक चीज कह कुछ रहे हैं और देख कुछ रहे, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी और ब्रेन कॉन्ट्रडिक्शंस पसंद नहीं करता, तो वो जो सजेशंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। सो एक आदमी अपने आप को देख रहा है मोटा और अपने आप को कह रहा है मैं पतला हो रहा हूँ, ओके, ये दोनों चीजें आपस में कोलैप्स कर जाती है, इट विल नॉट वर्क। ह्यूमन ब्रेन डज नॉट होल्ड टू अपोजिंग इमोशंस एट द सेम टाइम। जी
अच्छा सर, आपने ये कहा था कि इमेजिनेशन का जो आपने एक सेशन वो अपने क्लिप थी यूट्यूब पे, उसमें आपने कहा था कि आप सो जब सुबह उठते हैं तो इमेज करें अच्छा सा कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत आगे जा रही हूँ, मेरी मेडिसिन है वो वर्क कर रही है। तो आपने जो बताया था उसमें क्या होता है, वो बैठ के करने की होती है और सुबह उठ के फौरन करने की होती है जब आप कर सके। ओके, एनी टाइम। अगर अगर आप सुबह उठे और उठने के फौरन बाद आपको वॉशरूम जाने की जरूरत है और उस वक्त आप बैठकर अगर करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। ओके, सो इट डजंट, यू नो, इट्स लाइक अपने आप को कभी भी इतना रिजिड नहीं कीजिएगा। ये रिजिडिटी जो होती है, जब किसी मामले में कर लें, हम अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने शुरू कर देते हैं। ओके, सो बी फ्लेक्सिबल विद दिस। द आईडिया इज के यू नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ओके, सो अगर आपको यू नो सुबह उठिए, उठने के बाद इवन अगर आप जाके मुंह हाथ धोएं, आगे जाके नमाज पढ़ें, अपने सब करने के बाद आप उसके बाद करें, गो अहेड एंड डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके, आज मैं सुबह फजर की नमाज के बाद मैं सो गया थोड़ी देर, बिकॉज मेरा सेशन था, रात में थोड़ा देर से सोया था, तो मैं आज फजर के बाद सो गया। सोने के बाद मैं उठा, उठने के बाद मैंने आज यू नो थोड़ी देर, प्रॉबेबली आधा घंटा मैंने आज यू नो सेशन से पहले प्रैक्टिस करी, और यू नो उसके बाद आपके सेशन में आ गया। यहाँ पे इस वक्त एक्चुअली लाइक इस वक्त 11 बज रहे हैं। अपने मसल्स बना लेता है जी, अब वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहता है, क्या उसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते रहने की जरूरत होगी या बॉडी खुद ब खुद मेंटेन रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल होंगे करने के। इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो बगैर मेंटेनेंस के चलती है, बताओ मुझे? आपकी गाड़ी है, आप उसको अगर चलाते रहो और उसको मेंटेनेंस ना करो, चलेगी गाड़ी? चलती रहेगी, क्योंकि आपने जो बड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली है तो वो आप चलेगी गाड़ी? जी नहीं, नहीं बिल्कुल करनी पड़ती है मेंटेनेंस। लेकिन सर ये हर चीज को मेंटेनेंस के लिए यू हैव टू, सो यू डोंट हैव टू डू दैट मच। And then मैं बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों पे काम कर रहा होता हूँ। It's like I'm not just doing self hypnosis with myself. I'm doing a lot of other things with myself and as well as with other people. So I just keep on working. और basic चीज ये होती है कि it's like you keep on getting better. और होता ये है बस दिलशाद कि आप जितने अच्छे हो जाएं, जितनी चीजें सीख लें, आपको ये एहसास रहता है यार अभी बहुत कम आता है। The more you learn, the more you find how little you know. जरूर आपने की बहुत सारी ऐसी क्लिप्स में अलग अलग एक्सरसाइज जो आपने बताई है, मैंने अभी वो देख के रखी भी और लिख के भी रखी है, मैं उसमें से कंटिन्यू 2-3 तो कर रही हूँ और उसमें मुझे बड़ा फर्क लग रहा है। फियर के लिए सेशन की जरूरत हो, कांटेक्ट रमजान, रमजान कैन हेल्प यू विद दिस। ओके, थैंक यू सर। और दूसरा मुझे हिप्नो काउंसलर, ही इज अ लाइफ कोच एंड यू नो ही कैन हेल्प यू विद दिस। जी ऑलरेडी मैं उनसे करवा चुकी हूं सर, उन्होंने मेरे को, हां उन्होंने बताया। और एक चीज ये होती है कि देखो ऐसा नहीं होता कि हर आदमी को एक सेशन ही चाहिए, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करती हैं। जी ओके, जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मेरा जो शौक था जो कुछ कह रहे थे सर। जी रमजान, आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे सर, दिलशाद ने यूएसए से ही ज्वाइन किया, ह्यूस्टन से। ओह ग्रेट, बस मेरा शौक था सर, सच में बताऊं, मैं बात करने का भी तो कुछ क्वेश्चन माइंड में थे, तो मुझे ऐसा था जब से मैंने क्लिप्स देखी ना, मैं आपकी फैन ये समझे, बहुत शौक था मुझे बात करने का कि मैं किस तरीके से आपसे बात करूं। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, सो यहां पे क्वेश्चन मेरे पास सदफ का आ रहा है। सदफ सेज, व्हाट इफ समबडी इज गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड एंड डस थिंग्स व्हिच his conscious mind rejects can be better if hypnotized? Absolutely. Like the thing is this, Sadaf, everyone is governed by their unconscious mind. Okay. Khana aap khud digest karti hain consciously. Saans aap apni khud se chalati hain consciously. Dil apna khud consciously dhadka rahi hai. You know, blood circulation aapki consciously ho rahi hai. Okay. Kaun si cheeze jo aap consciously kar rahi hai?
So, you know, your whole body, your life, it's like everything you think about this, like more than 99% things are happening literally unconsciously. There are very little things that you do consciously. Because your conscious mind hai, ye programmer hai. Aur unconscious jo hai, programmable hai. Hum hypnosis mein, NLP mein, apne zehen ko reprogram karte hain. मगर ये रीप्रोग्राम जरूरी नहीं है कि एक बार बैठकर कर लिया तो हो गया. इसको हमें रिपीटिशन के जरिए इन चीजों को कंडीशन करना पड़ता है. और जब हम उनको रिपीटिशन से कंडीशन करते हैं चीजें हमारी बेहतर होती हैं. ओके, सो वी स्टार्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मेरे लिए 2 मिनट बात करना जो है एक अजाब होता था. मुझे याद है मैं IBA में था और मुझे एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी थी और मेरा हला खुश्क हुआ था. मेरा सीना यू नो दिल धड़क धड़ कर रहा था. पेट में गुड़गुड़ हो रही थी. एंड आई कुडंट स्पीक फॉर 5 मिनट्स. एक मैंडेटरी प्रेजेंटेशन थी. मेरे कोर्स का पार्ट था जिसके मार्क्स फाइनल यू नो उसमें काउंट होने थे. लेकिन वो प्रेजेंटेशन देना मेरे लिए मुश्किल हो गया था. आज 24 साल हो गए. मैं यू नो मेरी आप कह लीजिए रोजी रोटी यही है. लोगों के सामने खड़े होकर बात करना, ग्रुप्स को साथ में बात करना. And you know, मैंने 21 साल से ज्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाई है. सो अब ये वाली जो चीज है कि जी अनकॉन्शियस में एक बिहेवियर बैठा हुआ था, दिल की दड़ दड़ करता था, पेट में गुड़गुड़ होती थी, ये मेरे अनकॉन्शियस बिहेवियर्स थे. उन अनकॉन्शियस बिहेवियर्स को मैंने कॉन्शियसली प्रोग्राम किया. द मोमेंट आई रियलाइज आई हैव दिस इशू आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. लोग अक्सर एक चीज बात करते हैं कि जी ये जैसे कोर्स के हवाले से मैं जी बड़ा महंगा है. मैं कहता हूँ एक बात बताओ, वो जो प्रॉब्लम जिसको लेकर आप बैठे हो उसको पालना कितना महंगा है, कभी ये कैलकुलेट किया है? उस प्रॉब्लम को जिसको लेकर आप चल रहे हैं, जी अभी नहीं आइंदा कर लूंगा, ग्रेट. उस प्रॉब्लम की क्या प्राइस आप पे कर रहे हैं? इमोशनली क्या प्राइस पे कर रहे हैं? रिलेशनशिप्स में क्या प्राइस पे कर रहे हैं? अपनी परफॉर्मेंस में क्या प्राइस पे कर रहे हैं? Have you ever thought of it? ये जो किसी के पास आप जाके अगर सेशन कराते हैं, अगर आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं, अगर आप कहीं से कोचिंग करते हैं, यू नो यू गेट रिड ऑफ इट. सो वो कोचिंग वो ट्रेनिंग आपको टेज यू मोर देन यू कैन इमेजिन. मैं जाती तौर पे इस बात का गवाह हूं. मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. मैंने उस वक्त इन्वेस्ट किया जब मेरे पास नहीं था, बिकॉज मैं चेंज करना चाहता था. लेकिन मेरी चीज समझ में आई, आई डिडंट थिंक यार ये मेरे जो मसले हैं उसको पाल कर बैठा रहा. आई रियलाइज ठीक है, आई हैव दिस इश्यू, मेरे अंदर ये फियर है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, एंड आई वर्क्ड ऑन दैट. सो सर, कुछ लोगों के ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं सर, अगर आप ऑनलाइन ले सके कुछ लोगों को. श्योर sure. जरूर जी. गजाला सईद, अगर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को. जी सर, कलाम साहब, मुझे ये पूछना था आपसे कि कितने छोटे बच्चों को भी हिप्नोसिस का सेशन दिया जा सकता है, किस एज से देना चाहिए? छोटे बच्चों में अगर आप जो यानी बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ फॉर्मल हिप्नोसिस की जरूरत ही नहीं होती है. वो ऑलरेडी उनका ज़हन एक नेचुरली हिप्नोटिक स्टेट में होता है. अच्छा. ओके. आपको उनके साथ प्रोसीजर जरा डिफरेंट अंदाज से यूज करने होते हैं. तो आपने उनके लिए कोई फॉर्मल ट्रांस इंडक्शंस की जरूरत नहीं होती. लेकिन यू नो 12 साल 13 साल की एज के बच्चे जो है उनके साथ आप इजिली यानी फॉर्मल ट्रांस इंडक्शंस वाली चीज कर सकते हैं. लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल 5 साल, इनके साथ आपने कोई फॉर्मल हिप्नोसिस की जरूरत नहीं होती. अच्छा ठीक है, थैंक यू सर. श्योर जी. किश्वर नासिर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है. किश्वर जी, किश्वर जी, किश्वर फरमाइए जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर. मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मेरी एकदम से सडनली जो है ना वॉइस चली गई थी,
पता okay. नहीं क्यों गई थी, सब टेस्ट वे सब करवाए थे तो सब नॉर्मल थे. लेकिन उसके बाद से मैं जब भी बात करती हूँ तो सामने वालों का कहना ये है कि आपकी टोन जो है वैसी होती है कि वो हमें हाइपर कर देती है. ये मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने बताया. मैं आपकी यूट्यूब से काफी सारी क्लिप्स देख के एक्सरसाइजेस कर रही हूँ तो उससे मुझे काफी इम्प्रूव तो किया है. लेकिन स्टिल जो है अभी भी मैं हालांकि बात तो नॉर्मल करती हूँ लेकिन सामने वाला जो है वो मेरी बात से पता नहीं क्यों वॉइस से जो वो हाइपर हो जाता है. तो इसके लिए आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे? इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जेट जो हाइपर हो रहा है उससे बोलिए मुझसे कांटेक्ट कर ले. पता नहीं सर जी, हालांकि मैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं आपके मेरा प्रोफेशन जो है वो साउंडोलॉजिस्ट का है. नहीं जी ऐसा कुछ मैं साउंडोलॉजिस्ट हूं. मुझे बताइए इज इट वन पर्सन सेइंग दिस और हर एक आपसे ये कहता है? नहीं ज्यादातर क्योंकि अपने फैमिली मेंबर्स बोल रहे होते हैं मुझे. Exactly. ये बात मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने बताई है, वो भी आपकी स्टूडेंट है, सोबिया है. सोबिया नासिर को आप जानते भी हैं. उसी ने मुझसे कहा कि आप बात तो सही करते हो लेकिन सम टाइम जो है ना आपकी टोन से जो है ना वो इरिटेट हो जाता है बंदा. तो मैंने कहा गलत बोल जाते हैं, एंकर्स कोलैप्स कर लो तुम्हारा मसला खत्म हो जाएगा. अच्छा मैं तो अभी तक यही समझ रही थी कि शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है. तो मैंने काफी एक्सरसाइज आपने जो बताई नहीं आपकी प्रॉब्लम बताओ. आपकी प्रॉब्लम आपकी बात से किश्वर मुझे समझ में आ रही है. आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने दूसरों की बात को अपने ऊपर सवार कर लिया. अच्छा नहीं सर ऐसा नहीं है कि अगर हाँ ऐसा अगर मैं करती तो फिर मैं इम्प्रूवमेंट और ना करती. हालांकि सो एक चीज ये है किश्वर कि देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे आपकी हमारा जो है ना एक बेस लाइन होती है जो लोग हमारे स्पेशली जैसे घर वाले वो हमने उन्होंने हमें शुरू से देखा हुआ है तो हमारी एक बेस लाइन है जो उन्होंने देखी हुई है. ओके अब जब हम जैसे आप कह रही हैं आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई और आप वापस आई तो जब आप वापस आई तो आपकी जो जो बेस लाइन उनके जहन में बनी हुई थी इट मे बी डिफरेंट then what they had perceptions of you. तो उन्हें पता था किश्वर जो है वो यहाँ बात करती है. अब जो जिस किश्वर को वो सुन रहे हैं तो वो मे बी यहाँ सुन रहे हो या यहाँ सुन रहे हो. सो दैट क्रिएट्स लाइक अ डिस्कम्फर्ट इन देम. ओके लेकिन एक आम आदमी जैसे मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ सो आप जो बात करेंगे मेरे लिए दिस इज योर बेस लाइन. यू नो इट्स लाइक कि आप आज मुझे देख रहे हैं ना, आपको आज कामरान सुल्तान पता चल रहा है कि जी अच्छा ये कामरान सुल्तान. लेकिन आपने आज से 20 साल पहले 25 साल पहले अगर मुझे देखा होता, आज से 30 साल पहले मुझे देखा होता, मैं एक सहमा हुआ नौजवान होता था. ओके सो इट्स लाइक जो लोग आज देखेंगे वो यार कामरान सुल्तान बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बट आई वाज नॉट दैट वे फ्रॉम द बिगनिंग. सो वी डू चेंज और प्रॉब्लम पॉसिबल मुझे नहीं पता. मैं एक खाली हाइपोथेटिकल आपकी बात से मैं एक अंदाजा करके बता रहा हूँ. एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको वो इधर आपको जानते थे अब आप यहाँ पर आपकी टोन है तो दिस इज क्रिएटिंग डिस्कम्फर्ट इन देम. गिव देम टाइम सही हो जाएंगे. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू जस्ट कीप दिस इन माइंड. इट्स लाइक एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर आप अपनी स्टाइल को अपनी अपने बात को बेहतर करना चाहते हैं you can always work on that. Okay, any Sadaf hai sir, Sadaf agar koi sawal hai unka to. Ji Sadaf farmaiye. Ji assalam alaikum sir. Can you hear me? Yes I can. मुझे ये पूछना था वही जो मेरा थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पढ़ा कि अनकॉन्शियस माइंड के सब हम सब गवर्न पाए अनकॉन्शियस माइंड तो. लेकिन कुछ लोगों का बड़ा ऑब्वियस होता है कि उनका बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा बिहेवियर होता है. लाइक वो कॉन्शियसली कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन किसी इम्पल्स में आके वो बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा रिएक्शन शो करते हैं.
जिस पर वो बाद में शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में ऐसी चीज़ें बड़ी डैमेजिंग होती हैं। तो एक बंदा हो जो कि खुद हिप्नोटाइज होना नहीं चाह रहा हो, लेकिन जैसे आपने बताया कि हिप्नोटिज्म जो है वो एक्चुअली इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए तो ज़रूरी है कि दूसरा बंदा रिसेप्टिव हो। लाइक वो रिसेप्टिव नहीं भी है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँ कि उसे हिप्नोसिस के ज़रिए कुछ रिलेशनशिप बेहतर कर लूँ, तो क्या इज़ इट पॉसिबल? The answer is yes and no. Okay, because without him knowing that yes, absolutely. Okay, so I'm saying the answer is yes and no. देखो, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जिससे पता चल रहा है कि आपको confusions हैं, आपको like you don't have clarity on these issues. जब ये हम बात कर रहे हैं ना कि कोई शख्स जो है उसका एक रिएक्टिव वाला होता है, किसी भी इंसान में सदफ, इंक्लूडिंग मी एंड यू, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंसान रिएक्ट करता है, यू नो, कुछ ह्यूमन नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं। मैं खाली एक मिसाल आपको समझाने के लिए इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखिए, अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से हम कलाम थे, अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्होंने असा फेंका, अल्लाह ताला के हुक्म से असा जो था अजदहा बन गया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का जो इंस्टेंट रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, आपको खौफ आया, खौफ खा के पीठ फेर के आप भागे। अल्लाह ताला ने उनसे बोला रुक जाओ, और कुरान में इसका एक से ज्यादा जगह का जिक्र है। सो यू नो, कुछ चीजें होती हैं रिएक्शन, जिसे आप कह, इंसान के रिस्पॉन्स किसी सिचुएशन में, that's a natural human thing. Why do people have these responses? Number one, because they're human. Number two, because they're alive. So do we need to understand the triggers instead? Possible, yes. So avoiding the triggers, we can avoid the situation as well? Most likely. You mean that? Most likely. So hypnosis is... जैसे किश्वर ने बात करी, देखो कभी-कभी क्या होता है? अब मुझे नहीं पता आप किस उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा है आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे हैं। Exactly. देखो, एक चीज होती है, हम मर्दों की और औरत की साइकी में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, इन जनरल। अगेन, हर इंसान डिफरेंट होता है, बट इन जनरल अगर हम बात करें, मर्द में जो होता है ना, ईगो थोड़ी सी जरा हाई होती है, ठीक है। अल्लाह ताला का ये बनाया हुआ एक सिस्टम है, exactly. एक मर्द जो है उसके अंदर जो ईगो होती है थोड़ी हाई होती है, अच्छा, और मर्द का जो जहन होता है वो ज्यादा ये लाइक बिग पिक्चर्स देखने का आदी होता है। औरतें जो होती हैं बाय नेचर, अगेन नॉट एवरीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल एक बात कर रहा हूँ, कि उनका जहन जो होता है वो ज्यादा डिटेल्स में जाने वाला होता है। ओके, सो मिसाल के तौर पे मुझे ये पता है कि जी मेरे घर का जो महीने का खर्चा है वो इतना है, मेरी बीवी को पता है कि मेरे घर में कितने चावल आने हैं, कितनी दाल आनी है, कौन कितना आटा आना है, कितना गोश्त आना है, कितनी मुर्गी आनी है, यू नो, ये डिटेल्स उसको बताएं। सो मर्द जो है वो लाइक उसको ये पता है जी ओवरऑल इतना, औरत उसमें कभी कभी हम जब इस चीज को रियलाइज नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, तो हम यू नो चीजों को एक तो मिसइंटरप्रेट करते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पर हस्बैंड ने से पूछा बीवी ने कि क्या कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब खैर है। अब बीवी का जो जहन है वो डिटेल्स चाहता है, शोहर का जहन जो है वो यू नो डिटेल्स में नहीं जाता, तो बीवी को ये लगेगा ये मुझसे कुछ छुपाता है। वो कुछ नहीं छुपा रहा, वो नेचुरल अंदाज में वो कर रहा है। अब जब उसको ये लगेगा ये छुपा रहा है, तो वो उसको कुरेदना शुरू करेगी, और वो चीज़ जो है मर्द के लिए इरिटेटिंग बन जाती है। और ये बहुत कॉमन चीज है, मैंने पिछले 24 साल में पता नहीं कितने कपल्स के साथ काउंसलिंग किया है, एंड आई हैव सीन दिस इज सच अ कॉमन थीम, कि अब वो जो चीज है वो इरिटेटिंग बन जाती है। ओके, और जब वो चीज इरिटेट करती है वो रिलेशनशिप्स में, वो फिर उसको हाइपर होने लगता है। ओके, फिर जो है ना उसकी ईगो बीच में आने लगती है कि तुम मेरे ऊपर शक करती हो, तो मैं यकीन नहीं आता, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, सब कुछ बता रहा हूँ। वो ऑनेस्टली बता रहा है, लेकिन उसको फील हो रहा है कि नहीं कुछ छुपा रहा है, कुछ तो है जो नहीं बताया। ओके, सो अच्छा, अब दूसरी तरफ इसका जो दूसरा साइड होता है, अगर हस्बैंड बीवी से पूछ लेता है, तो बीवी जो है वो ऐसी तफसील बताना शुरू करती है, वो कहता है यार तू दिमाग की दही बना देती है इतनी देर। सो ये जो चीज होती है, ये जहन की प्रोसेसिंग का स्टाइल का डिफरेंस है। दिस कैन बी रिवर्स बाय द वे,
ऐसा भी मुमकिन है कि कोई औरत जो है वो यू नो बिग पिक्चर देखने वाली हो और मर्द जो है वो डिटेल्स में जाने वाला, ये भी मुमकिन है. ओके, और अगेन दीज आर ह्यूमन थिंग्स, दिस इज नॉट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन थिंग्स, दीज आर ह्यूमन थिंग्स. ऐसा भी मुमकिन है कि फर्स्ट करो कि कोई प्रोफेशनल लाइफ में बॉस जो है वो डिटेल्स वाल ओरिएंटेड है और जो सबऑर्डिनेट है वो बिग पिक्चर वाला है, या बॉस जो है वो बिग पिक्चर वाला है और सबऑर्डिनेट जो है वो डिटेल्स में जाने वाला है. देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स बिटवीन देम. ये किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप में हो सकता है. इसलिए अगर हम इन चीजों को समझें, इन चीजों को सीखें, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. तो आई होप यू गॉट सम आइडियाज. कैमरन सर, तकरीबन यहाँ पर 9:20 हो रहे हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो सर यहाँ उमर फारूक साहब ने अपना हैंड रेस किया हुआ है. ओके, वी विल जस्ट टेक मेबी 10 मोर मिनट्स. ओके, सो वी विल फिनिश एट 9:30. श्योर जी. उमर फारूक साहब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. उमर फारूक, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. कैमरन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. कामरान साहब, मैं उमर बात करूं, आपसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, मैं कुछ हिप्नोसिस और एनएलपी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से. फरमाइए. तो मैं सर ये पूछना चाहता हूं, जैसे हम लोग हिप्नोसिस इंसानी रवैयों को दुरुस्त करने के लिए यूज करते हैं, अपने अखलाक और अपने जोरें सहन तरीके उसको हम दुरुस्त करने के लिए हिप्नोसिस और एनएलपी को इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने शैतान को पैदा किया. मिसाल के तौर पर हम एनएलपी को यूज करके अपने गलत रवैये शोर को ठीक करते हैं, तो इस लाइफ में शैतान कहाँ पर है? क्या हम जो गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गैबत करते हैं, रिश्वत लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, क्या ये सब बुरे काम शैतान करवाता है, या हम बचपन में गलत बिलीव सोसाइटी और घर के माहौल और रवैये की वजह से हम गलत रास्तों पर चलते हैं, तो इस पे आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम ये शैतान है या हमारे गलत रवैये जो सोसाइटी जो घर माहौल के वजह से जो बिलीव के वजह से हमें ये मिले? ओके उमर, देखो आपके इस सवाल का जवाब बेहतरीन जो है कोई आलम दीन आपको दे सकता है, लेकिन जो मुझे पता है मैं उसके हवाले से आपको चंद चीजें बताता हूँ. एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ उसकी नफ्स का शैतान जिसे आपके एक शैतान है. तो साहबा ने पूछे, या रसूलल्लाह आपके साथ भी? आपने कहा हाँ मेरे साथ भी, मगर मैंने उसको मुसलमान कर लिया. ओके, सो यू नो इट्स लाइक हर इंसान के साथ जो एक शैतान है या जो उसकी नफ्स का शैतान है, ये इंसान की बात हो रही है, ये मुसलमान की या यहूदी की या काफिर की या देहरिये की बात नहीं हो रही है या हिंदू की बात नहीं हो रही है, ये इंसान की बात हो रही है. So, उसको वो जो शैतान है इंसान के नफ्स का, यू नो इट्स लाइक इंसान की नफ्स के ऊपर बहुत अंदाज से मुख्तलिफ चीजों से मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जमानों में लोगों ने काम किया है. एज ए सेड कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पर कोई ज्यादा आपको जवाब नहीं दे सकता. किसी आलिम दीन से पूछें तो आपको उसकी ज्यादा वजाहत मिल जाएगी. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंसान की वो जो यू नो जिसे हम नफ्स कह रहे हैं, इंसान के लाशऊर में बैठी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें. अच्छा, दो चीजें हैं. एक चीज तो हम बात कर रहे हैं कि कोई अगर रिश्वत ले रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई गुनाह उस किस्म की बात कर रहा है. एक चीज है कि मेरे अंदर एक खौफ है, मुझे मेरे सामने कुत्ता आता है तो मुझे खौफ आ जाता है. इसका किसी शैतान से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, उस वजह से वो चीज जो है मेरे जहन में बैठी हुई है, और ये गुनाह की बात नहीं है. तो ये एक नफ्सियाती चीज है, एक नफ्सियात में मेरे बैठी हुई है. ओके, या मैं मीठा खाता हूं और वो मीठा खाना जो है वो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है. मैं बचपन से बड़े शौक था जी मुझे मीठा खाने का, लेकिन अब जो है मुझे यू नो कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से मीठा जो है मेरे लिए हराम हो गया. तो मीठा खाना गुनाह नहीं है, मगर मैं मीठा खा रहा हूं तो वो खाना मेरे लिए नुकसानदेह हो रहा है, मुझे उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है. मुझे शौक है खाने में नमक जो है वो ज्यादा डालकर खाऊं, मगर मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगा है, तो वो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अगर खाता हूं. अभी इस नमक का खाना गुनाह नहीं है, ये किसी शैतान का काम नहीं है,
ये मेरा एक आदत, एक हैबिट एक बनी हुई है, उस हैबिट को मैं चेंज करना चाहता हूं। अब दो चीजें, एक तो ये कि मैं उस हैबिट के लिए मुझे दुआ करूं अल्लाह ताला से अल्लाह तौफीक दे और मैं खुद कोशिश ना करूं, दूसरा ये है कि मैं खुद कोशिश करूं और फिर अल्लाह की तौफीक की भी मदद मांग। यू नो कि आपको ऊंट जो है पहले जाके उसको खूंटी पे बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। दीन हमारा ये सिखाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी तबीयत खराब हुई, आपके ऊपर बुखार हुआ, तो आपने अपने ऊपर पानी के डोल डलवाए, आपने खाली तस्बीह नहीं करने को कहा था उस वक्त। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत पता चल रही है। सो हम पैसिवली होकर हम किसी में, ये शैतान ने करा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज ये होती है कि अगर कोई भी काम मैं कहूँ जी शैतान ने करा दिया, क्या मैं इसी मंतक को लेकर मैं मर जाता हूं, मैंने जी मीठा खा खा के इतना हो गया, मेरी डायबिटीज शुगर इतनी बढ़ गई, मैं मर गया। ओके, डॉक्टर कह रहा था मर जाओगे मत खाओ, घर वाले कह रहे थे मर जाओगे मत खाओ, मगर मैं खा खा के मर गया, तो बुनियादी तौर पर तो मैंने खुदकशी की, मुझे मालूम था ये चीज मेरे लिए बुरी है। अब एक बात बताओ, क्या मैं अपनी कब्र में अल्लाह ताला को ये जवाब दे सकता हूँ कि अल्लाह वो तो शैतान ने मुझे मीठा खिलवाया जबरदस्ती, शैतान की वजह से मैं मरा हूं। सो ये वाली जो बात है कि जी शैतान ने करा दिया, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप एक लम्हे में बैठ के समझ सकें, और इनमें यू नो यू हैव टू क्रिएट दोस डिस्टिंक्शंस, आपको उन चीजों को समझने की, चीजों को यू नो तफसीलात में जाने की जरूरत होगी। और बहुत सारे सवाल जो होते हैं कि जी इसका दीन से कोई है, इसका एनएलपी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप रोजाना एनएलपी करते हैं अपने साथ, सिर्फ बात यह है कि आपको खुद अंदाजा नहीं होता। जिस वक्त आप अपने आप को किसी काम को करने से पहले कहते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता, आपने अपने आप को सजेशन दी है, आपने अपने साथ एनएलपी की है। जिस वक्त आप अपने बच्चे को कोई यू नो किसी इम्तिहान के लिए बच्चा जा रहा होता है, आप कहते हैं हाँ तू कर लेगा, तुम बड़े समझदार बच्चे हो, आप उसके साथ एनएलपी कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं आप एनएलपी कर रहे हैं, आप उसकी हमदर्दी में कर रहे हैं। इसी तरह अगर बच्चा जो है किसी यू नो खतरनाक चीज में हाथ डाल रहा है, आप उसको नहीं 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 ये नहीं करना नुकसान होगा, आप उसके साथ एनएलपी कर रहे हैं, आपको पता नहीं आप एनएलपी कर रहे हैं, आप ना शैतान का उसको फॉलो कर रहे हैं ना अपनी नफ्स को, आप शौरी तौर पर उसको किसी चीज से रोक रहे हैं। सो मसला ये है उमर, जहां तक मैं समझता हूँ कि लोगों को एक चीज सरसरी किसी चीज का सुना, सरसरी पढ़ा, यू नो कोई जरा सी वीडियो देख ली, एक किताब भी पूरी तफसील से कोई नहीं पढ़ी, और उसके बेस के ऊपर ठग फतवा दे दिया। हमारे यहाँ बहुत सारी कॉमन चीज आप देखते हो गए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यू नो कि कोई कोई एक हदीस पढ़ी या कुरान की कोई आयत ली बीच में से, ना उसको आगे देखा ना उसको पीछे देखा, और उस आयत को जरा सा लेके, और आप नहीं सुनते कभी कभी लोग यू नो इस हद तक चले जाते हैं कि कहते हैं जी कुरान में है कि जी नमाज के करीब मत जाओ, और आयत जो है उसके अल्फाज को कोट कर रहे होते हैं कि जी कुरान में देखो लिखा है कि नमाज के करीब, जबकि वो क्या लिखा है कि जब नशे की हालत में हो तो मत जाओ। तो क्या किया उसने कि जो पूरी आयत थी वो हटाई, उसमें से इतना सा हिस्सा निकाला, और उसके बाद उसने कहा जी देखो कुरान में लिखा है। ये बहुत बड़ी गुमराही और बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल इसी अंदाज में लोग किसी भी मौजू किसी भी इल्म के ऊपर कर सकते हैं कि अगर फर्ज करो हमें पता चलता है कि एक कोई डॉक्टर है वो लोगों के ऑपरेशन करता है और उनके गुर्दे निकाल लेता है, या लोगों के जबरदस्ती टॉन्सिल्स के ऑपरेशंस कर देता है, तो अब हम बोले देखो कभी भी डॉक्टर मत बनना, डॉक्टर बन के लोग ये जुल्म करते हैं। सीरियसली ये सही फैसला होगा, ये सही बात होगी? हमें पता चलता है एक लॉयर जो है वो लोगों के यू नो कातिलों को छुड़वा देता है, चोरों डाकुओं को छुड़वा देता है, तो हम कहें देखो कभी भी वकालत मत पढ़ना, ये गलत बात होगी। नहीं मेरे भाई, वकालत गलत नहीं हुई, मेडिसिन गलत नहीं, उस शख्स का अमल है। सो एक वेपन है, एक बंदूक है, किसके हाथ में है और उसको उससे वो क्या कर रहा है। अब हम बोलेंगे जी वो जो टीवी, वो जो घर में जो है टीवी के ऊपर वो गंदी फिल्में देख रहा है आदमी, तो वो उसकी वजह जो है ना बिजली, अगर इसके घर में ना बिजली होती ना ये गंदी फिल्में देखता, तो लिहाजा घर में बिजली मत लगवाना। ओके, अगर हम इसी तरह से हम किसी भी लॉजिक को लेके चलें तो हम बहुत सारी चीजों पे फंस जाएंगे। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।
सर, थैंक यू सो मच सर। काइंडली एक सवाल पूछ सकता हूँ, एक और सवाल छोटा सा? हेलो कामरान सर, एक सवाल पूछ सकता हूँ? कामरान साहब, सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, मैं खुद LFP यूज करता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन, बहुत फॉलो करता हूँ कई साल से। तो मैं आप सॉरी तो मैं कामरान साहब ये फायर वॉक के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो आप अक्सर कराते हैं फायर वॉक, आग पे चलने के, जिससे इंसान जब वो करते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है, फेयर खत्म हो जाता है। तो आप, मैं एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग में भी शफा है और पानी में भी शफा है, लेकिन मैं अपनी उम्मत को कहूंगा कि पानी से आप शफा लें। तो आप लोग जो ये फायर वॉक कराते हैं, क्या ये सही है, या वो इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दे, थोड़ा समझ मसला, मसला जो होता है वो फायर वॉक को मिसअंडरस्टैंडिंग है लोग इस, एक साहब ने कुछ रोज पहले मेरे फेसबुक के ऊपर, मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी फायर वॉक के ऊपर, जी ये अपने जिस्म को तकलीफ देना है। सवाल ये, अगर एक बात बताओ, अगर तकलीफ ना हो तो, अगर फायर वॉक करके तकलीफ ना हो तो ये जायज हो जाएगा? ओके, किसी भी चीज को देखो, सरफेस पे रहकर अगर बात करोगे तो इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। समझो ये इसके पीछे क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, ये एक साइंस है, इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स की है अमेरिका में, जो यहाँ पर लोग ये करते हैं, वो उनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, वो दहरी है, वो साइंस के बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया कि आग जो है कौन सी लकड़ी को अगर जलाया जाए, कितनी देर जलाया जाए, कितने टेम्परेचर पर उसको आने के बाद उसको किस साइज के उसके अंगारे बनाए जाए कि जब इंसान उस पर चले तो उसके लिए सेफ होगा। उन्होंने उस चीज को स्टडी किया है, उसके पीछे उन्होंने सालों स्टडी किए और उसके बाद वो चीज करते हैं। ये वो नहीं है जिसको आप समझते हैं कि कोई भी लकड़ी ले या कोई ले लिया और जलाया और उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। इट्स अ साइंस। और फिर उसके कुछ इम्पैक्ट्स जो होते हैं कि लाइक एक आदमी, हमारा जहन जो है, हमारी जो लॉजिक है, वो ये कहती है कि आग पे चलोगे तो जल जाओगे। लॉजिक ये कहती है, लेकिन अब सवाल ये होता है किस तरह की आग पे, किस टेम्परेचर की आग पे, कितनी देर चलने पे, कितनी तेज चलने पे, किस एंगल पे पैर रखने पे, किस स्पीड पे पैर रखने पे। मैं इट्स लाइक रमजान ने मेरे पास प्रोग्राम किया है, मैं फायर वॉक की बात करें, हम टूटे हुए शीशों पे भी चलते हैं। मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, देख लीजिए, रमजान की भी हैं वीडियोस यूट्यूब पे, कि टूटे हुए शीशों पे चलते हैं, शीशा चुभ जाएगा पैर में, खून निकलेगा। मेरा 10 साल का बेटा है, वो भी चला है। मेरी क्लासेस में हम ये भी करते हैं, इसकी वीडियोस मेरी फेसबुक के ऊपर आपको बहुत मिलेंगी। मेरे हम तीर रखते हैं यहाँ पर, इस जगह पर सॉफ्ट जगह है ना, यहाँ तीर रखते हैं और उसका जो दूसरा एंड होता है वहाँ दीवार पे रखते हैं और यूं करके खड़े होते हैं और उसको आगे करके वो तीर जो है उसको यूं करके तोड़ते हैं। ओके, और वो तीर अंदर घुस सकता है, वो असल तीर होता है, नकली तीर नहीं होता है। ओके, बट स्टिल वी डू इट। तो आपका क्या ख्याल है? ओके, सैकड़ों लोगों को मैंने कराया ये। सो चीज ये, आप ये देखो कि इसके पीछे साइंस क्या हो रही है, इसके पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम किसी इल्म को हासिल करने के बजाय उसको फौरी तौर पे उस पे हराम और हलाल का फतवा लगा के उसको छोड़ना प्रेफर करते हैं, बजाय इसके हम इसको स्टडी करें कि हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है ये। तो जब हम उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद उससे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फायर वॉक एक मेटाफर है, एक एग्जाम्पल है। तीर तोड़ना भी एक एग्जाम्पल है, मकसद तीर तोड़ना नहीं होता। मैंने और रमजान ने, हमने ये भी किया है कि हम लाइक रॉड नहीं होता जो लोहे का, वो रॉड यहाँ पे रखा कि एक मेरे रखा हुआ, एक सामने रमजान खड़े हो गए, हम दोनों खड़े हो गए और हम दोनों एक साथ चले। ओके, वो रॉड जो है मेरे भी घुस सकता था और रमजान के भी, सरिया, लोहे का सरिया जो आप देखते हो ना बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में लगता है, वो सरिया। इसके पीछे समझो, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है। इस दुनिया में, इस कायनात में अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन चलाए हुए हैं, उन कवानीन को समझो। वही कवानीन, इट्स लाइक
जब हाबील और काबील का वाकया हुआ और उसको काबील को समझ में नहीं आया, हाबील को दफनाने के लिए अल्लाह ताला ने कव्वे को भेजा, तो वो कव्वा भी आया था ना, वो जो कव्वे उड़ते थे उस जमाने में भी, तो वही लॉ ऑफ डायनेमिक्स जो आज मैं और आप पढ़ते हैं और जिसके ऊपर हमारे जहाज उड़ते हुए नजर आते हैं, उन्हीं लॉ ऑफ डायनेमिक्स को इस्तेमाल करते हुए वो कव्वे भी करते थे। इन लोगों ने, यू नो, इन मुशरिकों ने, दहरियों ने, इन लोगों ने उन चीजों को स्टडी किया, उन चीजों को समझा और आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। मैं और आप अभी तक इन्हीं पे झगड़ रहे हैं कि इसमें पैर जल जाते हैं तो सही है गलत है, मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई। थैंक यू सर, आपसे बात करके खुशी, काफी चीज पॉइंट मेरे क्लियर हो गए, थैंक यू सर आपका। कामरान सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं ये कहूंगा सर आखिर में कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से आपसे मुंसलिक हूँ और कई कोर्सेज करने का मुझे आपके साथ इत्तफाक हुआ, मगर सर आज का जो सेशन था वो इस कदर इम्पोर्टेंट रहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरा वर्कशॉप मिल गया। जो लोगों के सवालात थे और जिस तरह से आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक सर वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। चलते चलते मैं एक दफा फिर लोगों के सामने ये बता दूं कि आप इन कोर्सेज में, मैंने आपको लिंक्स भेज दिए हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग या ट्रेनर्स ट्रेनिंग के लिंक मैंने आपको चैट पे भी भेज दिए हैं, प्लस अगर आप चाहें तो आप कामरान सर से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। और आज का जो भी सेशंस है और प्रीवियस जो भी सेशन हमने इस ट्रेनिंग के हवाले से लिए हैं, वो तमाम के तमाम आपको कामरान सर के यूट्यूब के चैनल पर, जिसका नाम है कामरान सुल्तान, आपको वहां पे भी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कामरान सर के वेब पे इन कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि www.nlp-pakistan.com, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर के फेसबुक पर आप ज्वाइन कर लें, ये मेरा आप तमाम लोगों को बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा कि कामरान सर का जो प्राइवेट ग्रुप है जिसपे आप किसी वक्त भी मेंबर बन सकते हैं, facebook.com/groups/kamransultan, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि कामरान सुल्तान अक्सर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस करते हैं, लाइव कोचिंग सेशंस देते हैं, तो आप उनसे भी इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। प्लस सर से बराह रास्त किसी भी वक्त आप रब्ता कर सकते हैं, सर का व्हाट्सएप का नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, सर से बैंक की डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप सर को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। याद रखिए कि सर चूंकि अमेरिका में है और हम पाकिस्तान में होते हैं तो टाइम का बड़ा मेजर डिफरेंस है, तो आप सर से बात करने से पहले सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दें तो सर आपसे खुद ही अपना टाइम शेयर कर लेंगे। मुझसे किसी भी मामलात में बात करना चाहते हो इन ट्रेनिंग्स के हवाले से, इन सेशंस के हवाले से, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब के चैनल पर यानी एम्बेसडर रमजान अली के नाम पर भी आप देख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान सर आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम ऑडियंस जो कि शुरू से आखिर तक मुकम्मल तौर पर जुड़े रहे। इंशाल्लाह हम इसके अलावा भी सर की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के हवाले से आपको वक्तन फवक्तन आपसे रब्ता करते रहेंगे। तब तक मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगियों में कामयाबियां नसीब करे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में अल्लाह ताला हमें जिन जिन रिसोर्सेज और जिन जिन वसाइल की जरूरत है, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें वो तमाम वसाइल इनायत फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।